यत्शक्तयो वदतां वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनंत गुणाय भूमि। सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए, अगर दूसरे का मंगल करना चाहो तो बहुत सहन क्षमता का जरूरी है। दूसरे का मंगल का व्रत अपना जिंदगी में ग्रहण करो तो हजारों किस्म का मुसीबतें आते रहेंगे। इट्स अ मस्ट। दूसरे का मंगल का चिंता मत करो तो तुम्हारा जिंदगी में उतना मुसीबत नहीं आए। समस्या तो तब आए जब तुम दूसरे का मंगल, परम मंगल का बारे में कोशिश करो। सब मारने आएगा, पीटने आएगा, काटने आएगा, नियम है। जो जितना ऊंचा आदमी है, पहुंचा हुआ आदमी है, उसका जिंदगी में मुसीबत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसी को ही टारगेट करके सब दुश्मन मानते हैं। नियम है ये समाज ऐसा ही है। फिर भी अगर अपना जिंदगी में साधु संतो लोग अगर मंगल का, जगत का मंगल का विषय सोचता है और जगत का मंगल हो जाए, वास्तव मंगल हो जाए, इस विषय अगर चिंता करे तो अच्छा है। यह नियम है। ये चर्चा करते करते एक दो दिन पहले हमने ये चर्चा किया था, शायद आप लोगों को याद है, वैराग्यात अभयम, हमने ये चर्चा किया था। वैराग्यात अभयम संन्यासात, संन्यासात वैराग्य, वैराग्यात अभयम। संन्यास अगर आपका जिंदगी में सिद्ध हो जाए तो कोई जिंदगी में डर बोल के कोई नहीं, कोई चीज़ शेष नहीं रह जाएगा। फियरलेस। भोग का वासना जो है वही सबको वीक बना देता है, दुर्बल बना देता है। भोग का वासना, कामना वासना, वही तुम्हारा जिंदगी में एकदम दुबला बना देगा, वीक बना देगा, इतना दुर्बल डरते रहोगे। और अगर विषय का जो चिंता, हमारा जिंदगी में क्या होगा, हमारा जिंदगी में क्या होगा, ये सब चिंता का छोड़ दोगे तो तुम्हारा जिंदगी में कोई डर नहीं सताएगा। नियम नहीं, संभव नहीं। उदाहरण दे दे, कई उदाहरण है, हजारों उदाहरण है, तो आपका लिए सुविधा होगा एक उदाहरण हम दे दे, वो तुरंत समझ जाओगे। वो क्या है, श्रील हरिदास ठाकुर का उदाहरण सुबह में दिया था। कितना मारा, फिर भी हरिदास ठाकुर का जवान से हरिनाम बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो डरता नहीं किसी को। और आप जानते हो मीराबाई के बारे में, जब भी मीराबाई का चर्चा हमारा गौड़िया मठ में कम होती है, क्योंकि वृंदावन में कुछ बहुत सारे प्रश्न होता है, महाराज क्यों कम चर्चा होता है, तो सिद्ध है, वहाँ सिद्ध तो है ही है, इसका लिए तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन गौड़िया मठ में इसका चर्चा क्यों कम होता है। भले महाराज इसलिए कम होता है कि मीराबाई जी ने राधा रानी का अनुगतन नहीं की, राधा रानी का अनुगतन नहीं की, भजन की, लेकिन जैसे लक्ष्मी देवी राधा रानी का अनुगत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, इसलिए अलग से
अभी भी बेलवन में, वृंदावन बेलवन में अभी भी तपस्या कर रही है, तपस्या कर रही है अभी भी। तो मीराबाई के जिंदगी तो कोई डर नहीं था। कितना डराया राणा ने, कितना डराया, कितना बदमाशी किया, कितना बदमाशी किया, कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। सांप भेजा, बीज भेजा, मारने आया, बहुत काटने आया, बहुत कुछ, लेकिन डर ही नहीं। सोचो सही, मीराबाई राज रानी दिखने में कितना सुंदर, अकेला जंगल से जा रही है गाते गाते, अकेला जंगल, कितना डाकू है, कितना बदमाश है, कितना पशु जानवर है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। राणा ने जब सांप भेजा कटोरी करके, पर फल है इसमें, ठाकुर जी को भोग लगा देना, कटोरी के खोला तो देखा एक काल नाग ऐसा, हाथ जोड़ के बोले मेरा तो गिरिधारी, आप तो गिरिधारी हो, ऐसा रूप में आज के दर्शन दिए। तो आंखें मोदा, आंखें जब खोला तो गिरिधारी है, गिरिधारी का शिला, गिरिराज का एक शिला पड़ा हुआ है, कोई साफ पाप कुछ नहीं है। आप लोगों का ये सब विश्वास नहीं होगा, इसलिए हम पहले भी बहुत दिन पहले जब शुरू किया था कथा, हम ये बात को खोला था, बहुत लोग दुखी हो जाते, लेकिन वास्तव बात है, वास्तव बात कोई सुनना नहीं चाहता, सब झूठा बात सुनना चाहता। वास्तव कथा जो है सुनना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं है। हम बोले थे हम लोग मोर और लेस वी आर ऑल मायावादी, कम और वैशी, क्यों, गुरु वैष्णव में अविश्वास, भगवान में अविश्वास, यही मायावाद का लक्ष्य, ये बेसिक चीज़ तो यही है, मायावाद का फिलोसॉफी है बहुत बड़ा, लेकिन बेसिक जो चीज़ है यही है, गुरु वैष्णव में विश्वास नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है, प्रसाद में विश्वास नहीं है, मंदिर में विश्वास नहीं, गुरु परम्परा, यही तो मायावाद है, और क्या मायावाद। ये प्रभुपाद का प्रवचन, हमारा कोई नहीं, हमको क्या बोलोगे। प्रभुपाद बोले वी आर ऑल मोर और लेस अटैच्ड विथ मायावाद सिद्धांत, हम लोग सब कम और वैशी, थोड़ा बहुत मायावाद मिलावट है। विशुद्ध भाव हो जाए तो आग जैसा हो जाए, उसका और देखोगे मना आग जल रहा है, भजन का आग। प्रभुपाद का सामने जो भी आया वो सर झुकाया, बहुत आदमी प्रभुपाद का साथ बहुत बेईमानी किया, बहुत आक्रमण किया, कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। मदन मोहन मालवीया जो BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का संस्थापक है, इतना बड़ा पंडित है, इतना बड़ा विद्वान है, भारतवर्ष में जाने माने विद्वान है, वो जो प्रभुपाद का दर्शन हुआ तो उसका सर जो है झुक गया। वो बोले हमारा सर किसी का सामने आज तक झुका नहीं, आज तक किसे का सामने, ये महापुरुष जो है इनका सामने आते ही हमारा सिर झुक गया, विनम्र हो गया। ठाकुर जी का ऐसा ही प्रभाव है, कितना साहस देखा है परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज, कितना आक्रमण हुआ प्रभुपाद का ऊपर, ईट का वर्षा, इतना बड़ा बड़ा प्रभुपाद को खून करने के लिए, कुछ नहीं हो पाया। जो भी है ये शब्दों को याद रखना, जो संन्यासात वैराग्यो और वैराग्यात अभयम, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना। संन्यास मतलब कोई मैया का जीवन में जिंदगी में संन्यास सिद्ध हो जाए तो हो सकता, संन्यास माने आप क्या सोचते हो कि डंडा लेके और पीला कपड़ा लेके, ऐसा नहीं, भगवान गीता में बोला हुआ है पूरा संन्यास, जिसका ये दुनिया, जिसका मन ये दुनिया का वस्तु से उब गया, अब नहीं रहा कुछ, कोई इच्छा नहीं रहा, उसका संन्यास सिद्ध है। इसे मीराबाई का विचार करो, उसका भी संन्यास सिद्ध, कोई तो भोग का भी विषय नहीं है।
संन्यास का शब्दों का माने हैं सत युक्त न्यास। सत मतलब ठाकुर जी भगवान, ठाकुर जी का चरणों में अपना जीवन जिंदगी को समर्पित कर देना, इसी का नाम संन्यास है। सत प्लस अर्थात युक्त न्यास, न्यास मतलब गच्छित रखना, न्यास मतलब गच्छित रखना, आपका पास रखो ठाकुर जी हमारा जिंदगी जीवन। इसका व्याख्या महाप्रभु जी ने की सुंदर चैतन्य चरितामृत है। मुकुंद सेवन व्रत कोइल गहन, प्रभु कहे साधु एई भिक्षुक वचन, प्रभु कहे साधु एई भिक्षुक वचन, मुकुंद सेवन व्रत कोइल गहन। मुकुंद सेवा का जो व्रत है जिंदगी में, अपना कोई सुविधा का कोई बात ही नहीं, अपना सुविधा का कोई बात ही नहीं, जो कुछ भी करे तो वो ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए, खाए पिए सोए कुछ भी करे, सब ऑल फॉर द टोटल एंटियर सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ठाकुर जी का परिपूर्ण संतुष्टि के लिए तुम्हारा जिंदगी में आवर क्रिया कर्म जीवन जौवन जितना पैसे हैं कुछ भी है सब ऐसा कामों में जब लगा हुआ है ठाकुर जी के सम्मुख संतुष्ट के लिए, तो अद्वैत गोसाई का जिंदगी में कोई संन्यास का अभाव था? अद्वैत गोसाई तो गृहस्थी जिंदगी में था। श्रीनिवास आचार्य जी का जिंदगी में कोई संन्यास का अभाव था? वो तो गृहस्थी में था। शिवानंद सेन जी का जिंदगी में कोई संन्यास का कोई अभाव देखा आपने? क्या अभाव देखा संन्यास का? कुछ अभाव नहीं देखा गया। इसी का नाम है अथा, ये फॉर्मूला हर वक्त याद रखना, संन्यासात वैराग्य वैराग्यात अभयम, ये फॉर्मूला है। अब वैराग्य का कोई अगर व्याख्या कोई करना चाहे तो इसके दो किस्म का व्याख्या सुन लो ध्यान से याद रखना। वैराग्यों का व्याख्या सुन लो, बार बार तो एक बात नहीं बताया जाएगा, अनंत समुद्र कथा सागर, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं आता जितना समय है उसमें कथा बोल के आनंद नहीं होता। वैराग्य का मतलब बीजुक्त राग विराग, यही तो वैराग्य है। जो व्याकरण पढ़ा है बीजुक्त राग विराग, विराग मतलब वैराग, बीजुक्त राग, बी मतलब विशेष, विशेष अगर अर्थ करो तो ऐसा अर्थ होगा विशेष अनुराग भगवान का चरण में। अपना जीवन का जितना पूरा सत्या एग्जिस्टेंस है अंदर में जो अनुभव है वो सारे हृदय जोड़ के ठाकुर जी बैठा हुआ कुछ नहीं है। हृदय का ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करके देखो तो कुछ नहीं है, सिर्फ ठाकुर जी बैठा हुआ है, पूरा हृदय में ठाकुर जी बैठा हुआ है। इसका नाम विराग, विशेष अनुराग ठाकुर जी का चरण में। और इसी अवस्था में जो हालत पैदा हो जाता भक्त का जिंदगी में, वो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर व्याख्या भी किए। हमने भी राय रामानंद संवाद बोल के एक किताब है, अनोखा किताब, एक किताब पढ़ने से आदमी का जिंदगी पूरा घूम जाए। बांग्ला में निकाला था 7-8 साल पहले, उसमें हम ये विचार को दिया था सुंदर। और विराग हो गया विशेष अनुराग, और दूसरा एक अर्थ हो सकता विगतो राग, विगतो राग विशेष राग बोल में अर्थ होगा। तो ठाकुर जी के चरण में वैष्णव गुरु वैष्णव भगवान का नाम धाम ये सब जो है ठाकुर जी के टोटल एक तत्व है, इसमें जिसका मन अनुराग से भर जाए उसका है विराग अर्थात वैराग्य सिद्ध हुआ। और दूसरा एक अर्थ है विगतो राग, विगतो राग बी विगतो, बी मतलब विगतो, राग तो रागी है, विगतो राग मतलब दुनिया का जितना सारे धन संपत्ति है भोगने वाला जितना सारे चीज़ है सब सबसे मन उब गया हट गया, उसका नाम विगतो राग
मैंने हमारा अनुराग, मन का जो अट्रैक्शन विषय का पूर्ति सारे समाप्त हो गया। ये दोनों का ही एक्चुअली दोनों का अर्थ बनाओ तो एक ही होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट एक ही है, घुमा के हम व्याख्या किए। और एक बात ध्यान से सुनना, व्याख्या किसी जगह हुआ कि न, हमारा ख्याल से हुआ ही नहीं आज तक, ये व्याख्या को ध्यान से सुनना, तो कोई आपको धोखा देना संभव नहीं होगा। अगर ये सिद्धांत तो जान के रखोगे, किसी का हिम्मत नहीं आपको धोखा दे दे, ये सिद्धांत तो सुन के रखना। वो क्या है महाराज, जो प्रतिभा है, प्रतिभा एक अलग चीज़ है और भक्ति एक अलग चीज़ है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये दोनों में कन्फ्यूशन ना हो जाए। किस लिए बोला, इस व्याख्या को हम करेंगे अभी। प्रतिभा जो है वो पूर्व जन्म का किसी कर्मफल, किसी का अंदर में किसी तरीका से एक प्रतिभा रहता है। ये प्रतिभा के द्वारा वो बहुत कुछ कर पाता है और पब्लिक घबरा जाता, वाह वाह ऐसा करता है वो, लेकिन प्रतिभा है, भक्ति नहीं है। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का जिंदगी में देखो तो आप देखोगे गौरकिशोर बाबा जी महाराज की जिंदगी में कोई प्रतिभा तो दिखाई नहीं देगा, प्रतिभा दिखाई देगा ना, तो कोई एडुकेशन है ना कुछ है ना, शास्त्र मुखस्त करके बोला बोला। लेकिन ठाकुर जी जिसका बातों में नाश्ता है, ठाकुर जी नाश्ता है ना जिसका बातों में, उसका नाम है गौरकिशोर बाबा जी महाराज। एक दफे रात को 12:30 रात को शिल बाबा जी महाराज परमंश श्रेष्ठ नवद्वीप का उस पार से गंगा पार करके ना जाने कैसे और पूरा जंगल को पार करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का भजन कुटीर में पहुंचे। प्रभुपाद जी देखे चौंक गया, क्या बात है, रात को 12:01 आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किसने पार किया आपको, और देख आपका आंखों, आप तो आंखों में देखते नहीं हो, ये जंगल पार के सांप है, कितना सारे जानवर है, कैसे आए हो। प्रभुपाद ने ऐसा बोलते रह गए और गौरकिशोर बाबा जी मैं हंसते रह गए शिव हंसते रह गए, उत्तर नहीं दिया। वो बोलते हैं कैसे आए हो, गंगा कोर पार कर दिया इतना रात को, कैसे आए हो, और गौर बाबा जी महाराज के हंसते रहे हंसते रहे। बाद में पता चला प्रभुपाद को साक्षात गौरांग महाप्रभु पार कर दिया, नैया लेके किश्ती लेके आया, आके बाबा जी महाराज को उठाकर पार कर दिया। इसका नाम है गौर किशोर बाबा जी महाराज। किस खानदान में आपका जन्म हुआ है आप भूल जाते हो, किस खानदान में आपका पैदा हुआ है, इसीलिए आपका मंगल नहीं हो रहा है। याद रखो, हर हालत में याद रखो, ये मेरा खून चल रहा है, ओ गौरकिशोर बाबा जी महाराज प्रभुपाद का खून आप बदल नहीं सकोगे, काट के फेंक दोगे फिर भी वही बोलेगा। तो गौर किशोर जो गौरकिशोर बाबा जी महाराज को गोदी में लेके नाचना चाहता है, गौरांग बापू नाचा ना, हरिदास ठाकुर को गोदी में उठाकर नाचना शुरू कर दिया, मेरा हरिदास है, इसका नाम है गौरांग महाप्रभु, इसका इतना करुणा है, और उस धारा पे अवस्थित जो गुरु वैष्णव है उसका करुणा कितना हो सकता, अब सोचो। चैतन्य महाप्रभु का खानदान में जो परंपरा है उसमें एक एक वास्तव गुरु वैष्णव का कितना करुणा हो सकता, अब सोच के विचार करना। तो प्रतिभा जो चीज़ है वो अलग चीज़ है, हमने देखा भी है एक एक आदमी का इतना तगड़ा ब्रेन है, तमाम शास्त्रों को मुखस्त कर लिया, तमाम मुखस्त कर लिया। मायावाद वाराणसी में जाओ, एक एक से विद्वान है, पूरा शास्त्र को मुखस्त बोल देगा, बट एक बूंद भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं, विद्वान है पूरा वेद वेदांत सब मुखोश तो बोल, लेकिन भक्ति बोल के कोई चीज़ है नहीं। क्यों, भक्ति तो यार मुखस्त करने से आएगा नहीं। इसलिए कभी
उल्टा बुद्धि ना आ जाए आपका जिंदगी। हमने देखा कितना बड़ा बड़ा वैष्णव है, शास्त्र मुखस्थ नहीं है, सिर्फ बांग्ला में सत्य गोविंद महाराज जी बड़े बड़े वैष्णव हमारा हमको कृपा किए, और हम व्यासासन में ऐसे बैठे नहीं है, वो लोग का आदेश से बैठे। अब छुट्टी दे दो तो हम जाके बैठ जाएंगे जंगल में, हमारा एक ही बात है, हजारों लोगों का सामने हरिकथा बोले या बद घर बंद करके रहे, वो एक ही बात है, कोई बात नहीं, बराबर है मेरे लिए। तो तमाम शास्त्रों को मुखस्थ कर लिया हमने देखा, और भक्ति नीलगिरी महाराज, भक्तिवर्धन सागर महाराज, सत्य गोविंद महाराज, कितना सारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वैष्णव देखा, हर वक्त ठाकुर जी के चिंतन में डूबे हुए हैं। एक दफ़े सत्य गोविंद महाराज जोगपीठ मंदिर में रहते थे, जोगपीठ मंदिर से सुबह को 4:30 बजे दौड़ के आए मेरा गुरु जी का सामने, सत्य गोविंद ब्रह्मचारी, प्रभुपाद जी का समय में था वो लाल कपड़ा, वही है, आज तक संन्यास नहीं लिया। जोगपीठ मंदिर से वो बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आया मेरा गुरु जी का सामने, और गुरु जी का सामने सुबह को सुबह दंडवत किया, और दंडवत करके बोलता है, पुरी महाराज जी हमको राधा रानी ने फटकार दिया, जाओ जाके संन्यास ले लो, अभी तक संन्यास ले लिया। वो बोल रहा है, बोले सपने में राधा रानी आए, पर बिल्कुल फटकार दी, जाओ अभी तक 80 साल का ऊपर उम्र हो गया, जाओ संन्यास लो। कांपते कांपते है, राधा रानी ने फटकार दिया मेरे, महाराज आप संन्यास दे दो। गुरु माँ हंसते रह गए, कितना सरल वैष्णव, गाले लगाया वहाँ, तुमको तो संन्यास देंगे, रह जाओ गुरु भाई, रह जाओ, उसको संन्यास दिया। और महाराज जी मेरे को इतना प्यार करते थे, और बोलते महाराज सुबह का टाइम में जब 3 बजे मैं माला करता हूँ, जोगपीठ मंदिर में सब सोया हुआ है, अब पायल का घुंघरू का आवाज़ आता है मेरा कानों में, छम छम करके नृत्य का, गौरांग महापुर नृत्य करता है, बाल बाल गौर गोपाल, और नृत्य का आवाज़ एकमात्र महाराज जी के कानों में आता है, किसी के कानों में नहीं आता, सब सोए हुए हैं, पर रात को हमारा कानों में आता है गौरांग महापुर का पायल का छम छम आवाज़। ये सब महापुरुष का कृपा हमारे ऊपर हुआ है, हम तो नालायक है, संत महाराज जी बड़े बड़े, बड़ा कृपा, नहीं तो किसका हिम्मत है, ये ठाकुर जी साक्षात भागवत जी महापुराण साक्षात भगवान है, ये कोई खेलकूद नहीं है। तो जिस बात को, जिस सिद्धांत को आपको आपको आपका सामने हम रखना चाहा, उसका माने ये है, तमाम शास्त्रों को मुखस्थ करने से भी उसका प्रतिभा रहे, फिर भी एक बूंद भक्ति मिलना असंभव है। जैसा चैतन्य महाप्रभु और दिग्विजयी पंडित का सामने बोले गंगा का महत्व बताया, महत्तम गंगायम सततमिदम अभाति इत्यादि श्लोक जो है, तो चैतन्य महाप्रभु बोले तो तुम्हारा ऊपर तुम्हारा प्रतिभा, तुम्हारा जो प्रतिभा है आश्चर्य प्रतिभा है, ये शब्दों को उच्चारण किया, तुम्हारा आश्चर्य प्रतिभा है, देवता का आशीर्वाद के द्वारा आपका जिंदगी में ऐसा प्रतिभा हुआ, कभी भी आप कविता रचना कर दो, इतना बड़ा पंडित हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं बोला आप बड़ा भक्त हो, बोला कभी नहीं हुआ। लेकिन जब ईश्वर प्रतिपाद, ईश्वर प्रतिपाद एक दफ़े नवद्वीप में आए, ईश्वर प्रतिपाद चैतन्य निमाई को बोले, निमा गौरांग महाप्रभु को, जे आप अगर मेरा ये, मैं एक लेखा लिखा, मैं कृष्ण का ऊपर, कृष्ण का ऊपर लेखा लिखा संस्कृत में, आप थोड़ा ये लेखा को चेकअप कर दो, मैंने एडिट कर दो देख के, हम थोड़ा कृष्ण को कृष्ण लीला का वर्णन किया, आप थोड़ा एक काम करो, ये लेखा को थोड़ा चेकअप कर दो, कहाँ भूल है नहीं है। महापुर हंसते रह गए, देखिए भक्तों का वर्णन है, ठाकुर जी किसी भी हालत से ठाकुर जी को वर्णन करो, भक्तों का कोई गलती हो ही नहीं सकता, हम क्या चेकअप करें, हम चेकअप करने वाला कौन है, हम उसको चेकअप करें आपका लेखा को, हमारा हिम्मत है, ठाकुर जी का लिए आप लिखे हो, इतना बड़ा भक्त हो, आपका नस नस ने कृष्ण नाम नित्य करता है, जो माधविंद्र पुरीवाद जी को सेवा करके पूरा आशीर्वाद को प्राप्त किए हो, जा सब होगा,
गुरु वैष्णव का आशीर्वाद के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर जी को चुटकी लगाकर जिंदगी में आप ला सकोगे अगर गुरु वैष्णव का कृपा हो गया तो, ऐसा ही नियम है। तो ये जो है इसके द्वारा महाप्रभु प्रमाण किए भक्ति सबसे बड़ा चीज़ है, प्रतिभा बड़ा चीज़ नहीं, सारा कीर्तन में मुखस्तो पूरा, एक भक्ति नहीं है कुछ, तमाम शास्त्र मुखस्तो, गुरु वैष्णव को और विश्वास नहीं। हमने देखा शास्त्रों का खूब कथा लिखना जानता है, बहुत कथा लिखता है, लेकिन भक्ति नहीं, मुखस्त है बहुत सारी चीज़। और एक उदाहरण दे दे, और एक उदाहरण दे दे, आपको पता चलेगा। वो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, नाम सुने हो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से एक बड़ा भारी जीनियस, जीनियस आदमी और दर्शन, दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट, इतना बड़ा विद्वान है, उसको जो पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर है वो घबरा जाता है, उसको जो पढ़ाया प्रोफेसर लोग घबरा जाता है, इतना बड़ा विद्वान है। और हमारा परम पूज्य जादवर गोस्वामी महाराज जी का एक शिष्य थे, बड़ा भारी विद्वान, विभू पांडा बोल के उसका नाम है, विद्वान है बड़ा, वेद वेदांत को बोल, बाद में वो संन्यास लिया, उसका नाम हुआ शिल आचार्य देशिक महाराज, क्या नाम हुआ, आचार्य देशिक महाराज उसका नाम हुआ, बड़ा भारी विद्वान है। एक दफे किसी शास्त्रों का विचार का ऊपर वो लिखना चाहे, उन्होंने क्या किया, वो जो विद्वान है जो विश्व भारत यूनिवर्सिटी से, उसको बुलाया, वह उसका पास गया, याद नहीं है मेरे को, वहाँ जाके उस विषय पर दो दिन तक उसका साथ चर्चा किया। और आचार्य जयसिंह महाराज को जो लोग जानते हैं, बोला आप इतना बड़ा विद्वान हो, इतना बड़ा सन्यासी भक्त हो, आप क्यों उसका पास गया, वो तो जड़ जगत का लेखा पढ़ा जानता है, वो प्रतिभा है, वो क्यों गया उधर, क्या दरकार है। तो महाराज ने हंस के बोला, देखो प्रतिभा तो प्रतिभा ही होता है, प्रतिभा प्रतिभा ऐसा एक चीज़ है जिसका पास प्रतिभा है तो प्रतिभा हो सकता है, अगर वो प्रतिभा को तुम अगर यूटिलाइज करके भक्ति में घुमा दो, देयर इज नो फॉल्ट। सब चीज़ में जो बुद्धि है गुरु वैष्णव का क्या है, उसके अंदर में प्रतिभा है, रहने दो, प्रतिभा तो भक्ति नहीं है, वो भक्ति भी करेगा नहीं, लेकिन उसका प्रतिभा को हम थोड़ा यूटिलाइज व्यवहार करके भक्ति में घुमा दें तो उसमें दोष क्या है। महाराज बोले प्रतिभा एक अलग चीज़ है बेटा, प्रतिभा एक अलग चीज़ है, अगर किसके अंदर में प्रतिभा रहे, अगर उसको तुम भक्ति का कारण भजन में थोड़ा लगा सकोगे, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, हम तो उसका भक्ति नहीं ले रहा है, चर्चा करके उसमें उसके चर्चा करके वो मूल विषय का ऊपर थोड़ा चर्चा किया, वो कितना जानता है, उसमें मेरा कोई और कोई रास्ता खुल जाए ऐसा। तो ये सब चर्चा इसलिए किया कि आपका हृदय में कन्फ्यूशन ना हो जाए। एक एक बड़ा बड़ा आदमी है वृंदावन में, सभी मुखस्त शास्त्रों, लेकिन भक्ति बिल्कुल नहीं, पैसा के लेके सब कर रहा है, सब पैसा के लिए, पैसा का पीछे सब पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। जो भी ये सब बात हो, बातें हम उठाया इसलिए कि आगे का जो चर्चा आपका बहुत अच्छा लगे, समझ में आए, इसलिए हम ये सब बात का चर्चा किया। सुबह में इतना तक हम चर्चा कर पाए। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगज, नारायणो परालोका नारायणो परामखा, नारायणो परो योगो नारायणो परम तपः, नारायणो परम ज्ञानम नारायणो परागति। अर्थात नारायण छोड़ के, नारायण कृष्ण ही, कृष्ण आदि, और नारायण बोला तो कोई दोष नहीं है। नारायण परावेदा, वेद समग्र वेद को पाठ करके परात्वर अखिलेश्वर भगवान का कोई अनुसंधान नहीं मिला तो आपका वेद पाठ बेकार है। सारे वेदांत तो पाठ कर
ठाकुर जी के बारे में कोई कोई स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो आपका वेदांतो पाठ बेकार है। वेदोश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, गीता में ठाकुर जी स्वयं बताएं वेदोश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे तमाम वेद को पाठ कर लो बट अल्टीमेटली इफ यू कैन नॉट सी मी, हमको अगर दिखाई नहीं पड़ा तो वेद पाठ छोड़ दो, क्या होगा वेद पाठ करके, बेकार है तुम्हारा। तो नारायण परा वेदा देवा नारायण आया, जितना सारे देव देवता है सब नारायण से ही आया है ना। नारायण परा लोका नारायण परामखा, सब नारायण परा जोगो, जब जोग का मूल है नारायण, तपस्या का मूल है नारायण है। मखा मतलब जोगो, जोग का जितना सारी कोशिश करो जोग, उसका भी मूल है नारायण। तमाम जो चीज़ है सब में नारायण, और नहीं तो बेकार। नारायणम परम ज्ञानम नारायणो परागति, सॉरी छूट जाएगा आज नहीं तो कल छूटेगा, छूटने वाला ही है, कभी भी छूट जाए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंतिमे नारायण श्रुति है, जब सॉरी छूट जाए, ये जन्म का सार्थक कब है, कब तुम्हारा ये जन्म है, जन्म का सार्थक कब है, कब है, कब आपका जन्म का सार्थक सार्थकता कब है। बड़े जन्म लाभ पर पुंसाम अंतिमे नारायण स्थिति, जब सॉरी छूट जाए उसी समय में पानी हमारा मुख में कोई दे कि ना दे ठाकुर जी जाने, लेकिन जो भी हो मेरा अगर ठाकुर जी का स्मृति आ जाए तब तो मेरा जिंदगी बन गया। अंतिम नारायण स्मृति, जितना भी शास्त्र पढ़ो, जितना भी विचार करो, पाठ कुछ भी करो, भक्ति करो, कुछ अगर अंतिम में नारायण स्मृति नहीं हुआ तो आपका भजन बेकार, कोई काम का नहीं होगा। इसलिए हर एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जिंदगी में एक पल भी बेकार नहीं जाने देना, ये आप लोगों का चरण में मेरा विनती है, आदेश नहीं है। जिंदगी को बेकार गंवाने मत देना, खराब करने खराब ना हो जाए। हर वक्त हर मुहूर्त ठाकुर जी का चिंतन बने रहे, यही मेरा इच्छा है। और हम सुबह में भी बोल चुके जब सृष्टि का वर्णन जो है, और हम तीसरा स्कंद में एक साथ बताएंगे कि बार बार सृष्टि का चर्चा करने जाए तो मूल चर्चा रुक जाएगा। शंख योग है उसमें मैत्री मुनि जी का सृष्टि रहस्य, खूब ध्यान से सुनना। बड़ा बड़ा विद्वान लोग सृष्टि रहस्यों के बारे में बोलो, हमारा महाराज को समझ में नहीं आता क्या होता, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कैसे कैसे हो रहा है ये दृश्यमान जगत क्या है। संबंध ज्ञान अगर ना हो तो करोड़ों जन्म में भजन नहीं होगा। हमारा ख्याल से संबंध ज्ञान नहीं हुआ किसी का, संबंध ज्ञान हुआ तो ऐसा लड़ाई कैसे होगा। संबंध ज्ञान होने से तो प्रीति आएगा, बिना संबंध ज्ञान तो होगा नहीं, भजन शुरुआत नहीं होता। काल हम चर्चा करेंगे बिना संबंध ज्ञान भजन शुरुआत, इसका बारे में काल सुबह हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं। अब विराट पुरुष का स्थूल जो पुरुष का वर्णन हम किए, विराट पुरुष का विभूति का वर्णन भी इधर है, स्थूल जो विराट पुरुष का वर्णन किए और इधर जो है विराट पुरुष का जो विभूति है उसका वर्णन है। उसका बाद नारद जी का सामने ब्रह्मा जी, पहला तो क्वेश्चन किया था नारद जी ना, आप हम लोग आपको ही सबसे बड़ा मन के बैठा, हम सोचा कि आप ही जगत गुरु हो, लेकिन बीच में देखिए बीच बीच में आप किसका भजन करते हो, हमको हम लोगों को डाउट लग रहा है आप किसका भजन करते हो, हम सोचे आप ही सर्वेश्वर हो। तो ब्रह्मा जी तब तो ये स्तुति में उत्तर दिया था ना, जिस भगवान का माया के द्वारा प्रेरित होकर हमको ही जगत गुरु मान के बैठे हैं, पूरा जगत हमको जगत गुरु मान के बैठे, हम जगत गुरु नहीं है तो फिर कौन है। ठाकुर जी है परात्पर अखिलेश्वर, साक्षात जो भगवान है
साक्षात भगवान जी है, वो है परात्पर अखिलेश्वर, वो है। और ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति किए, हम सब सुबह सुबह में चर्चा किए, तस्मै नम भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माया दुर्जयाया मायां दुर्जयाया मयं दुर्जयाया मांग बदंती जगद्गुरु माया ना भाई जो तस्मै नम भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मयाया दुर्जयाया मांग बदंती मम बदंती जगद्गुरु। हमको जगद्गुरु मान के बैठे है, हम तो जगद्गुरु नहीं है, जगत का गुरु तो कोई और है, ठाकुर जी है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण ही तो है, जगद्गुरु कृष्ण है, जगद्गुरु कृष्ण ही है। इसीलिए तो राष्ट्रीय यज्ञ में जब तरह तरह का विचार उपस्थित हुआ, किसका पहला पूजन किया जाए, पहला पूजन ये जो राष्ट्रीय यज्ञ में पहला पूजन किसको किसका होनी चाहिए, तरह तरह का विचार उपस्थित हुआ, लड़ाई हुआ है, इसको पूजन किया चाहिए, ये बड़ा ऋषि है, ये है वो है। बाद में नकुल ने सहदेव उठकर बता दिया, पूजा तो होनी चाहिए कृष्ण का, कृष्ण ही पूजनीय है। तो शिशुपाल उठ के खड़ा होकर गाली दे दें, हाथ बेटा जिसका जन्म का कोई ठीक नहीं है वो, उसका उसका वो ग्वारिया वो सब उसका पूजा होगा, गाली दिया तो गाली देने वाला रहेगा ही, ठाकुर जी का ही विभूति है, भजन करने वाला भजन करे, संत महात्मा रहे उसको गाली देने वाला भी बहुत रहेगा, ये कमी नहीं, गाली देने वाला नहीं रहेगा तो खराब है। जितना गाली देने वाला अगर रहेगा, अनिष्ट करने वाला रहेगा, तो संत महात्मा का महिमा उतना ही बढ़ेगा, नियम है, है? महिमा को कैसे पुष्ट, विरुद्ध परिवेश ना हो तो विरुद्ध परिवेशों का बीच में चारों ओर आग जलते रहे, अब बीच में महादेव है तो महादेव का महिमा कैसा है बोलो, शंकर भगवान का महिमा का कौन खंडन करे, चारों आग जल रहे, अंदर में आराम से बैठा हुआ ठाकुर जी का चिंतन है ना। तो साधु गुरु वैष्णव का महिमा तो विस्तृत होने के लिए असुरों का भी जरूरत है, जितना सारे असुर रहेगा हंगामा करे, आप बोलो आप विचार करके कृष्ण का नाम उतना क्यों प्रीचिंग प्रचार हुआ। हमने जलंधर में बहुत सारे जगह हमें ये सब बारे में चर्चा किया, बड़ा शिक्षित समाज, हमने स्टार्टिंग में ही शुरू किया ऐसा, वो चमक गया, वो लोग स्टार्टिंग ऐसा किया, वो लोग संस्थिर हुए, सब स्टार्टिंग हुआ हरिकथा का। Preaching can be done both way. One is negative way, another is positive way. प्रचार जो है वो दो किस्म का होता है, एक negative preaching, एक positive, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे बाद, अभी तो ये चर्चा करने का समय नहीं। तो तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मायया दुर्जयाया माम बदन्ति जगद्गुरुम, ये तो बोला था ना नारद जी के सामने ब्रह्मा जी। हाँ, अब ये ब्रह्मा जी नारद जी के सामने सृष्टि का तत्व आदि जिस्ट, भागवत का तमाम जिस्ट ब्रह्मा जी नारद जी के सामने कह रहे, ये प्रसंग जो है नारद जी के सामने ब्रह्मा कह रहे हैं। भगवान का लीला अवतार का बारे में बहुत सारे इधर वर्णना है, कब भगवान कैसा आविर्भाव हुआ, दो एक कह दे तो अच्छा है, सुन लो, व्याख्या तो नहीं हो पाएगा। ब्रह्मवाचो जत्रोद्दतो खिति तलोद्धरणाय बिभ्रात कौरिम तोनु सकल यज्ञ मयिम अनंतः अंतर महार्णव उपागतमादि दैत्यम त्वं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार यातो रुचे रजनयत सुजमान सुयोग्य आकुति सुनु आकुति सुनु आकुति सुनु रम आकुति सुनु रमा अमरनाथ दक्षिणायम आकुति सुनु आकुति का लड़का आकुति सुनु है अमरनाथ दक्षिणायम
लोकोत्रयस्सो महती महारद हैं जदार्थिंग स्वयं भुवेन मनुना हरिरीत हरिरीति अनुरुक्तो यज्ञे च कर्दम गृहे दिजो देवहूत्याम स्त्रीभिः स्त्रीभिः स्वमं नवभिरात्मगोतिं समात्रे ऊचे जयात्मसमलं गुणसंको गुणसंगो पंकोऽहं अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपद्ये। तामने कपिल जी जोगो भगवान शौकर भगवान सब एक एक करके भगवान का लीला अवतार का पूरा वर्णन 26 ऐसा करके वर्णन करने का बाद क्या हुआ, पूरा ये लीला अवतार का भगवान का वर्णन की। और वत्स नारद नारद का सामने ये हमारा ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये देखो ते वै विदंति उत्तरंति च देव मायम स्त्री शूद्र हून सवड़ा ओपि पाप जीवा यद यद भूत क्रम परायण शीलो शिक्षा स्त्रीजग यना ओपि किमु सूत धारणाया जे जे वै विदंति उत्तरंति च देव मायम। बोला हे नारद अधिक ज़्यादा क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोलने का दरकार नहीं, अधिक क्या बोले। यदि अगर भागवत भक्तों जो है साधु चरित्र का अधिक क्या बोले, यदि भागवत भक्तों गणों के साधु चरित्र शिक्षा करे कोई साधु सन्यासी का सामना हो जाए उसका शिक्षा सिद्धांतों विचार चरित्रों आदर्शों किसी का जिंदगी में आ जाए तब तो स्त्री जाति शूद्र हूण सवर और दूसरे भी पाप जाति उतना निकृष्ट है कोल वेल सांवताल तो वो भी मंगल पवित्र हो जाता है। जाता ना रामलीला में देखो गुहक चंडाल, गुहक चंडाल, गुहक चंडाल का साथ राम जी ने दोस्ती बनाया, इतना बड़ा दोस्त गुहक चंडाल। आप सोच के देखो गुहक चंडाल है लेकिन सबसे बड़ा दोस्त है राम जी का। और बानर कुल है, बानर है ना सुग्रीव, उसको कौन है बानर है हनुमान जी। हनुमान जी बड़ा दुख बड़ा आनंद के साथ व्याख्या किया पंचम स्कंद में आएगा। हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप लोग सोचते हो ऊंचा खानदान में आविर्भाव होने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, आप सोचते हो कि देखने में सुंदर होने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, क्या सोच के रखे हो आप, सोच के रखो विद्वान होने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए धनदौलत होने से ठाकुर जी बसु। हनुमान जी बोलते रहे उसका विचार हम करेंगे पांच पंचम से बड़ा सुंदर। हनुमान जी बोले तो विचार करो हमारा कौन सी खानदान है, कौन सी खानदान हमारा है, हम तो पशुकुल में आविर्भाव हुआ। ऐसे तो हनुमान जी ज्ञानिनम वरिष्ठम, हम राम जी का चरित्र आएगा हनुमान जी के बारे में पहले बताएंगे, उनके चरण में मेरा दंडवत। हनुमान जी कौन है, अरे बाप रे बाप, फिर भी दैन्य करके कह रहे हैं कि हमारा कौन सी खानदान में हम पैदा हुआ है, हमारा कौन सी रूप है बाबा, कौन सी विद्या है हमारा। चकार चकार सक्षो बतोलक्षण अग्रजो, हम लोगों के साथ जो दोस्ती किया ठाकुर जी प्रीति किया हमारा कौन सी खानदान है, कौन सी देखने में हम है पशु कुल में आविर्भाव हुआ। तो ठाकुर जी को प्राप्ति करने के लिए ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, हम नीचा कुल में आविर्भाव, ऐसा कोई बात नहीं। कोई भी जेई भजे सही बढ़ो अभक्त हिंसा चैतन्य चरितामृत में आदि सिद्धांत तो आता है। सत्कुल विप्र नहीं भजनेर योग्य है, जो भी है ये जो है स्त्री शूद्र हून सवर कोल भील जितना भी पाप जाती है असभ्य जाति जो है ये भी गुरु वैष्णव का अगर संग हो जाए तो वो लोगों की भक्त ठाकुर जी का माया क्या चीज है, ठाकुर जी का माया कौन सी चीज है पता चल जाए। माया जब पता चल जाए तब तो माता माया हट जाए, समझा मेरा बात, ध्यान दो इतना उम्र हो गया आपका
बोले माया जब हमारा समझ में आया माया क्या चीज है, माया टिक नहीं पाए, ऐसा ही तो बात है। भूत प्रेत पिशाच जो है किसी को पकड़ता है, किसी का अंदर में घुसता है, प्रेत प्रेत जोनी कैसे घुसता है, वो प्रेतात्मा पहले देख देता है इसका राशि कैसा है, हल्का है कि भारी है, और उसका बाद देखते उसका आचार आचरण जो जो शौच आचार है कि नहीं वो देख लेता है पहले। निकृष्ट आचार वाले को पेत पेतात्मा ज़्यादा धर पकड़ता है, शौचाचार नहीं है, कोई खाता है एकदम एकदम दुर्गंध दूषित चीज़, ये सब चीज़ खाता है जो ठाकुर जी को भोग नहीं दिया जाए कभी भी संभव नहीं, और कोई साफा नहीं है अंतर और बाहर, कुछ पवित्रता नहीं है, ना शौच कर्म नहीं करता है, कुछ नहीं करता कपड़ा पुड़ा कुछ नहीं, जो बिल्कुल सफा रहता है उसका सामने पेतात्मा आ ही नहीं सकता, डरता है हर वक्त डरता है उसका सामने। पेतात्मा पहले चिंता करे हम अगर उसका अंदर घुस जाए क्या हम उसका चेतना को कवर कर सके, कैन आई कवर इज कॉन्शियसनेस, समझा मेरा बात। पेतात्मा का पहला विचार है कि हम ये जो जिसका अंदर में घुसे उसका चेतन सत्ता को हम कवर कर सकेगा कि नहीं, अगर नहीं कवर कर सके उसका कॉन्शियसनेस का डिग्री बहुत हाई है, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, कम चेतन वाले आदमी को घुस जाए उसका चेतन को कवर कर दे और उदम मचाए बात जो कुछ भी करे, पेतात्मा का ये काम है। जिसका शुद्धि है, जिसका हृदय में अंदर में शुद्धि बाहर में शुद्धि हर वक्त नाम चलते रहता है तो उसका कैसे, तो पेतात्मा अगर समझ गया घुसने का कोशिश किया किसी का हृदय में, वो घुसने का कोशिश कर रहा है तुरंत तो समझ गया मेरा कोई पेतात्मा इधर आ रहा है, तुरंत समझ जाएगा तो वो नहीं टिकेगा, समझा मेरा। पेतात्मा अगर पकड़ने आए उसको अगर कॉन्शियसनेस हाई है समझ गया वो कोई पेतात्मा अगर है हमारा लगता है कोई पेतात्मा तुरंत तो क्या करे वो भाग जाए। ऐसे ही माया क्या चीज़ है जब समझ जाओगे माया भागेगा, समझा मेरा बात। मैं एक दफ़े सुबह चार बजे जल्दी जल्दी कोई पब्लिकेशन का कोई काम था, वो चार बजे जगन्नाथ मंदिर एक जगन्नाथ मंदिर सिद्ध पीठ है जगदीश पंडित का, वहाँ से जल्दी जल्दी निकले किसको पूछे भी ना, मतलब जल्दी जा रहा है अब बोट पार होके उधर जाएंगे। जाने का टाइम में एक जंगल पड़ा सामने बांसों का झाड़, और जाते ही हमारा दूर बहुत दूर डिस्टेंस है, जाते ही देखा अरे इतना धरंगा कौन है, और दो एक जनानी जो है वो झाड़ू लगा रहे, हमको तुरंत हृदय में सेंसेशन आया, ठाकुर जी बोल दिया तुरंत, हमने किया एक जोर से एकदम फटकार दिया, कौन है उधर, ऐसा जोड़ के बोला, अब बोलने का बाद ही फिर पीछा मोड़ा और दूसरा सब पकड़ा। बाद में पूछा उधर क्यों है, बोले हाँ हमारा जो उधर पेतात्मा है बहुत आत्महत्या किया बहुत, हमको हमका हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकेगा, तो पेतात्मा है तो हमारा दूर से बहुत दूर है सेंसिटिविटी आके हमारा इधर में कौन बोल दिया है उधर, कुछ कर नहीं पाएगा लेकिन खमा का झमेला में क्या करें। तो ऐसा है तो आपको अगर ये पता चल जाए कि माया क्या चीज़ है तो माया आपका दिल में टिक नहीं पाएगी, माया आपको छोड़ के मुक्त कर देंगे चला जाएंगे। और बाद में क्या है, ये भागवत का स्वरूप का वर्णन किया ब्रह्मा जी किसका सामने, बोले नारद जी का सामने वर्णन की, नारद जी का सामने वर्णन करते रहे, उसके बाद सुंदर एक छोटा सा उपदेश दिया नारद, इदम भागवतम नामो जन्मे भगवतोदितम और संग्रहो अयम विभूतीनाम तमेतद विपुलिम कुरु। क्या उपदेश दिया, समासेन हरेर नान्यद अन्यस्मात सदसत च यत, ऐसा बोला पहले, उसके बाद बोले इदम भागवतम, ये जो हम वर्णन किया जिस
इदं भागवतं नाम जन्मे जन्मे भगवतोदितं संग्रहो अयम विभूतीनां तमेतद् विपुलीं कुरु। संग्रहो अयम, ये जो संग्रह करके हमने धीरे धीरे एकदम उसका संग्रह करके आपको बताया, संग्रहो अयम विभूतीनां तमेतद् विपुलीं कुरु, इसको विपुल बनाओ, इसको विपुल बनाओ, चिंतन करो और ऐसा करके खूब ध्यान से सुनना। इस जगह जितना सारे भागवत वक्ता है इस चीज को व्याख्या नहीं करते, क्योंकि इसमें अपना जो दोष है ये प्रकटित हो जाए, कभी ये श्लोक का प्रकट नहीं करे, व्याख्या नहीं करे, किस लिए इसमें अपना जो दोष है ये प्रकट हो जाएगा। क्या बोला ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, यथा हरौ भगवती नीनाम भक्तिर भविष्यति। देखो बेटा, तुमको बोला ये भागवत कथा का विस्तार करो, प्रोपागेट करो, प्रचार करो, तमेतद् विपुलीं कुरु। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे प्रचार करना जैसे भक्त, जैसे समाज का जितना सारे आदमी हैं उन लोगों में भक्ति का भाव आ जाए। तुम्हारा पंडिताई दिखाने के लिए भक्ति मत कर, व्याख्या भागवत व्याख्या मत करो, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई व्याख्या नहीं करे, सब ये पॉइंट को छोड़ के चले जाए। भागवत प्रवचन हुआ किसी जगह, अगर सुना है दो चार आदमी भी, उसका अगर भक्ति नहीं हुआ ये हो ही नहीं सकता, होगा ही ठीक से अगर सुना है तो। भागवत ऐसा चीज है, इसी ब्रह्मा जी का उपदेश है, पितामह ब्रह्मा विनती कर रहे, देखो ऐसे भगवत कथा को प्रचार करना जैसे सब आदमी का अंदर में भक्ति आ जाए। क्यों? भक्ति जब तक ना है मुक्ति नहीं होगा, ऐसे कष्ट होगा, ये जन्म छोड़ोगे दूसरा जन्म कहाँ मिलेगा, हाथी जन्म होगा, घोड़ा जन्म, कुत्ता जन्म होगा, ठिकाना है नहीं। क्यों रिक्स ले रहे हो? रिक्स लेने का तो दरकार नहीं, सही ढंग से भजन करो। यथा हरु भगवती नीनाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णयो। जब भी कोई भागवत कथा को बोलोगे आप संकल्प करके बैठना, संकल्प लेके बैठना, हमारा ये कथा जो है ठाकुर जी इस कथा के द्वारा जो सोता होगा वो अगर सच्चा दिल लेके आए उसका अंदर में भक्ति हो जाए। जो वक्ता है वो संकल्प करके बैठे, क्योंकि उसका वो एक कुछ लेना देना नहीं है आपका साथ, सिर्फ मंगल के लिए आए और कुछ नहीं है। कितना सुंदर बात है, कितना ऊंचा बात है, देखो। जया हरो भगवती नीनाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिल धारे इति संकल्प वर्णयो। ऐसा संकल्प करके भगवत कथा को वर्णन करना, और नहीं तो नहीं करना, अगर करना है तो ऐसे संकल्प करके ही करना, नहीं तो नहीं करना। तो क्यों? बोले अव्यवस्था फैलेगा, भक्ति समाज में अव्यवस्था फैलेगा। जो आचार्यों का भक्ति नहीं है, जो आचार्यों का भक्ति का जो भजन का बल नहीं है, पावर नहीं है, तेज नहीं है, वो किसी का मंगल नहीं, शिष्यों का मंगल नहीं कर सके, शिष्यों का मंगल कुछ नहीं कर सकेगा, गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सारे जगह उल्टा हो जाएगा। अब पावरफुल अच्छा जो रहे तो उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, वो जो हजारों माइल दूर रहे तो शिष्यों का अंदर में प्रभाव फैलेगा, वो भजन के द्वारा प्रभावित करे। प्रभुपाद मायापुर में है, शिष्य गया इंग्लैंड, शिष्य गया बाहर में, इधर से प्रभुपाद जी प्रभाव दे रहे हैं, इतना पावर है। गुरुजी कहाँ है और शिष्य कहाँ है, इसी को बोलता है गुरु शिष्य संबंध। अगर शिष्य गुरुजी का हृदय को समझा नहीं, अगर गुरुजी शिष्य का हृदय समझा नहीं और दोनों का मिलन नहीं भाई, तो सोचो कि वो दीक्षा बेकार का दीक्षा, वो दीक्षा में कुछ नहीं होने वाला। सुनोगे जो डर जाओगे, क्या भाई हमारा दिक्कत नहीं, हम तुम्हारा दिक्कत हो गया,
जब तक गुरु शिष्य का ऐसा भाव ना हो जाए तब तक इस विषय में हम चर्चा करेंगे बाद में। कई दूर रहे गुरुजी कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ, लेकिन सदगुरु सदवैष्णव का इतना पावर है, वो अपना प्रभाव के द्वारा ही कैन चेंज यू प्रोवाइडेड यू कैन फॉलो हिम। बार बार उदाहरण देते हो, ही इज गिविंग वन एग्जाम्पल, महाराज यू आर लाइक सन, यू कैन प्यूरिफाई मी, हाउ आई कैन प्यूरिफाई इफ यू कैन नॉट फॉलो मी। तुम अगर मेरे को फॉलो नहीं करो तो हम क्या करें, तुम फॉलो करो तो ठाकुर जी हमारा गुरु जी तुमको प्योर कर दे, मानोगे नहीं तो क्या करें हम। कोई भी आचार्य हो ना माने तो, माधवेंद्रपुरी व्यास जी का आश्रय लिया, रामचंद्रपुरी क्या हुआ बोलो, रामचंद्रपुरी किसका शिष्य था, माधवेंद्रपुरी का, इतना बड़ा ठाकुर जी जिसको चार बार दर्शन दिया, और उसका आश्रय लेते हुए भी वो जिंदगी को गंवाया और टोटल लाइफ गॉन, जिंदगी खत्म हो गया। चैतन्य महाप्रभु का दोस्त पकड़ रहे, बोलो क्या बात है। चैतन्य महाप्रभु का उधर आए, घर में आए, बोले राम राम, इतना सारे चेटी है, सन्यासी होके इतना लालच है कि मीठा जरूर खाया होगा, नहीं तो इतना चेटी कहाँ से आ गया। चैतन्य महाप्रभु सर झुका है, भाई बोलना नहीं, क्या बोले, ठाकुर जी का दोस्त पकड़ रहे, तो हम तो छोटा मोटा आदमी है, ठाकुर जी का दोस्त पकड़, चैतन्य महाप्रभु उसका दोस्त पकड़ रहे, जरूर मिठाई खाया होगा, नहीं तो ये चेटी कहाँ है, सन्यासी होके इतना लोभ है। महाप्रभु माता झुकाया, कुछ नहीं बोला, बोले राम राम। फिर बाद में इतना खाता है सन्यासी होकर, निंदा किया, बाद में महाप्रभु के खाना छोड़ ही दिया, जा खाना छोड़ ही दिया, इतना निंदा कर रहे हैं तो खाना जब छोड़ दिया, भक्त लोग रोना शुरू कर दिया, हम लोग मर जाएंगे, हम भी खाना छोड़ देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आधा खाना ले गए, फिर जो प्रसाद आता है उसका आधा लेके, ठीक है हम जी अपना जिंदगी। और जब लोग आके बोले माधव, उसका वो निंदा करता है, उसका उसका कथा सुन के क्या होगा आपका, ठाकुर जी को बोले चैतन्य महाप्रभु, महाराज उसका तो काम ही है निंदा करना, तो उसमें क्या पढ़ना है, उसका निंदा करने दो, आप क्यों खाना बना छोड़ दिया। महाप्रभु उल्टा बोला, उल्टा फटका दिया, उन्होंने तो ठीक ही बोला, उन्होंने क्या निंदा किया, सन्यासी हो के ज़्यादा खाना ठीक नहीं हो, तो ठीक ही बोला, हमको हमारा दोस्त देखा तो हमको शासन किया, तो क्या गलती है, तुम लोग जाओ अपना काम। कितना देखो ठाकुर जी का शिक्षा है, ठीक ही तो बोला, हम सन्यास लेके हम ठीक ही बोला, वो दोस्त नहीं है, जाओ तुम अपना काम भी जाओ, कोई बात नहीं। ठाकुर जी का दोस्त दर्शन किया, साक्षात ठाकुर जी का दोस्त अगर दर्शन करे तो छोटा मोटा हम कौन सी है, छोटा मोटा आदमी, तो हमारा दोस्त देखे तो अच्छा है, और जो दो दोस्त देखे हमको बोल देना, रिपोर्ट करना, महाराज आपका ये दोस्त देगा, हम रेक्टिफाई कर लेंगे, हमारा दोस्त का संशोधन कर लेंगे, हमारा तो बहुत दोस्त है। तुलसीदास जी को एक आदमी आके बोला, महाराज वो संत तो आपका निंदा करता है हर वक्त। तुलसीदास जी बोले काम करो, उसको हमारा सब लाओ, हम उसको अपना खड़े भिक्खा करके कुटिया बना देंगे, हमारा कुटिया का, महाराज आप समझा नहीं, आपका निंदा करता है। तुलसीदास बोले हाँ उसीलिए तो बोलता हूँ, निंदा करता है उसीलिए तो बोलता हूँ, उसको लाओ मेरे सामने, मैं अपना खर्चा से भिक्खा करके उसको कुटिया बना दे, हम अपना कुटिया में भर के भजन करें, वो गाली देते रहेगा, हमारा कौन सी दोष है तो दिखाई नहीं पड़ता, हम संशोधन कर लेंगे, आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ, अब चले जाएंगे जल्दी ठाकुर जी के सामने। जितना दोष देखोगे आप लोग हमारा उतना ही अच्छा है, क्यों, इसमें हमारा संशोधन हो जाएगा, बड़ा दोष हमारा अंदर हो सकता, तो इसमें तो अच्छा है, उसमें गुस्सा करने वाला बात तो है नहीं है, अच्छा है। तो ये जो है अष्टम अध्याय जो है राजोवाचो, एक बार ये जो है इधर राजा बोलना शुरू कर दिया, परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी, कई प्रसंग चलता है, आप घबरा मत जाना, कभी कभी देखोगे राजोवाचो, कभी कभी सुख वाचो, कभी कभी फिर जाओगे सुतो वाचो, कभी कभी मैत्रीय वाचो, आप बोले क्या कौन बोल रहा है एक्चुअली, इसका जो लिंक है, लिंक अगर खो जाए तो आप घबरा जाओगे। कथा कैसे शुरुआत हुआ है, शुरुआत कैसे हुआ, सुतोदेव गोस्वामी जी सनकादि ऋषि को बोल रहे हैं, और सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हमने कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोला, कथा को सुना, तो जब जब सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं तो बीच में बोलेगा ना,
सुतदेव गोसाई ये बोला था सुतो वाचो आ जाता है, तो आप बोलेंगे कथा कौन बाच रहा है। ये लिंक हो जाए तो मुश्किल है, लिंक को ध्यान रखना, लिंक हो जाए तो मुश्किल है। तो ये है, और ऐसा करते करते इधर आया ब्रह्मा जी को, भगवान बोल ब्रह्मा जी नारद जी को बोला इतना तक। अब ये अष्टम अध्याय जो है इधर रजोवाचो, राजा बोल रहा है रजोवाचो, सिन्नताम श्रद्धया नृत्यम गृणतश्च सचिश्चितम नाति दीर्घे न कालेन भगवान विशते हृदि। सिन्नत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सचिश्चितम नाति दीर्घ न कालेन भगवान विशते हृदि। और भागवत का जो जो पहला हृदय अवरुद्ध थे हैं, तत्खनाद हृदय अवरुद्ध थे बताया था ना, यहाँ बोलते हैं यहाँ यही शब्द है सुन्नतः श्रद्धा नित्यम। हर वक्त अगर ठाकुर जी का अपराकृत लीला और भगवान ठाकुर जी का लीला कीर्तन सुनते रहोगे कथा कीर्तन, तो सुन्नतः श्रद्धाया नित्यम श्रद्धायुक्तया श्रद्धायुक्त होके अगर सुनते रहोगे तो क्या होगा, बोले श्रद्धायुक्त होके सुनते रहोगे तो आपका हृदय में तुरंत ठाकुर जी आके बैठ जाए। श्रद्धा का माने क्या है उसका व्याख्या किया था, श्रद्धा शब्द कहे शुद्धिरो विश्वास कृष्णे भक्ति कहिले हैं सर्वभक्ति सर्व सर्व कर्म कृत, कृष्ण चरण में भक्ति करो तो उसमें तुम्हारा कोई कर्तव्य ड्यूटी का शेष नहीं रह जाएगा, सारे जो ड्यूटी है तुम्हारा कर्तव्य है। इसका व्याख्या चार पांच दिन पहले भी किया सुंदर, ये जगत में जन्म होने का बाद संग संग जब भी आप मैया का कोष से गिरा धरती पर तो चार जो कर्जा है आपका ऊपर आ गया आपका सर पे, इसका बारे में चर्चा किया था हमने, ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण भूत ऋण, चारों ऋण आपका कर्जा जो है आपका सर पर बोझ कर्जा का बोझ चढ़ जाए। और शास्त्रों का विचार के अनुसार अगर आपका जिंदगी को ना चलाओ तो बड़ा भारी मुसीबत आएगा, मुश्किल है, कर्जा को चुकाना ही पड़ेगा, कर्जा चुकाना पड़ेगा नहीं तो होगा नहीं। तिरणतः श्रद्धया नित्यम श्रृणतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सचिश्चितम, ऐसा लेके आने से भगवत कथा सोना नहीं जाता, ऐसा होता नहीं, उसका ऊपर नजर चला जाता है ना, कैसे सुनोगे, दूसरों का भी प्रॉब्लम होगा, बच्चा तो बच्चा ही है प्यार का, लेकिन कथा का टाइम में नहीं होना चाहिए। सुन्नतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सचिश्चितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदय, जो हर दिन हर मुहूर्त भगवत चरित्र श्रद्धा के स्वाद शोभन कीर्तन करते भगवान बहुत जल्दी इंस्टेंट आपका हृदय में बैठ जाएगा, ऐसा बैठ जाए ठाकुर जी को उसको हटाना चाहे हट मेरा दिल से हटेगा नहीं, ठाकुर जी का ऐसा ही प्रभाव है। ठाकुर जी टेरा है, टेरा है ना, तीनों जगह टेरा है श्याम सुंदर, और ठाकुर जी किसी का हृदय में घुसता नहीं, अगर घुसे तो निकालना मुश्किल है, इसका बारे में दसवें स्कंद में हम चर्चा करेंगे, अगर किसी का दिल में घुस गया तो उसको निकालना मुश्किल है, वो बैठे रहेगा जितना भी बोले भाग हटेगा नहीं। गोपियों ने ऐसा बोला ना, सुंदर चर्चा करते हैं गोपी गीता में आएगा सुंदर चर्चा। जब ही है जो अभी जो ये श्लोक को ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा व्याख्या हम करेंगे, सिन्नतः श्रद्धा नित्यम गृणतश्च सचिश्चितम नाति दीर्घन काले न भगवान विशते, ये समझ में आया तो इसका नेक्स्ट है, प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत, जैसा शरत काल दुर्गा पूजा आए शरत काल है ना, उसी टाइम में देखोगे इतना सारे जलाशय है सारे निर्मल बन जाता है पवित्र सब स्वच्छ हो जाता है,
इस शरद काल का ऐसा ही महिमा है, जब भी शरद काल आए जितना सारे पानी में जितना सस्पेंशन रहता है ना, जो सब पार्टिकल्स है वो सेडिमेंटेशन, उसका सेडिमेंटेशन नीचे आ जाता है और पानी स्वच्छ हो जाता है। प्रकृति का ऐसा ही गुण है, इसमें धुनोति समलम, अंदर में जो कालिमा है, काला कालापन, जितना सारे पाप ताप है सब धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। सलिलस्य जल का, पानी का, जैसे शरत काल में अवस्था को प्राप्त करता है पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, श्रावण महीना, श्रावण भादो में, सावन भादो में क्या होता है, पानी पानी थोड़ा परिष्कार नहीं रहता, स्वच्छ रहता है नहीं रहता। और प्रविष्ट करने कर्ण रंधे न स्वानम, ये जो कथा है ठाकुर जी का, ये बोले प्रविष्ट कर्ण रंधे न, ये जैसे ग्लास है, कोई रस आपको दिया जाए तो बोले महाराज मैं ग्लास लेके आए, रुको थोड़ा, लोटा लेके आओ, ग्लास लेके आओ, लोटा से पियोगे, ये कान है ग्लास जैसा, ये कानों से जितना सारे रस आ रहा है ठाकुर जी का, ये रस का पान करते चलो। और प्रविष्ट करने कर्ण रंधेनो स्वानम भाव सरोरुहम, जैसा जैसा आपका भाव जो है उसी भाव का मुताबिक आपका हृदय में एक प्रभाव फैलेगा, एक प्रभाव आपका हृदय में आएगा, सम शॉर्ट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी देयर, एक एक रिएक्शन आपका हृदय में होगा। जैसा जैसा भाव है, भाव का अनुसार आपका हृदय में अनुभव होगा, भाव का अनुसार अनुभव फीलिंग्स होगा। और धौतो आत्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम नमुंचति मुक्त सर्वपरि क्लेश पांथ स्वस्वर्णम यथा। इस श्लोक का ध्यान से सुनना, थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। धौतो आत्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम नमुंचति, जिसका हृदय मान्यन हो गया, पूरा क्लियर हो गया, साफा हो गया, धौतो आत्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम नमुंचति, जिसका हृदय इतना साफा हो गया, इतना साफा हो गया, वो किसी भी हालत से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो चरण कमल हृदय में बैठा हुआ है उसको आप हटा नहीं सकोगे। इतना धौतो आत्मा, मतलब धौतो आत्मा मतलब साफा, मंजन हरि कथा कीर्तन कर संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महापूजा पहला सुख है, पहला सुख है चेतो दर्पण मार्जनम, यही सोच लो। जब हृदय साफा हो जाए तब हृदय से उसको निकालना मुश्किल है, मुश्किल है ना। हमारा ब्रजधाम में जो चंद्र सरोवर है, उस चंद्र सरोवर का उसी में एक भजन कुटीर है, उसमें आपका सूरदास जी महाराज भजन करते थे। सूरदास जी आँखों में नहीं देखते थे बिल्कुल, लेकिन चंद्र सरोवर से लाठी ठोक ठोक कर कई किलोमीटर जाके वो जो श्रीनाथ जी जो है, आप श्रीनाथ जी बोलते हो ना, नाथोद्वार में है, तब तो वहाँ था गोवर्धन, गोवर्धन का ज्योतिपुरा का हैं बहुत दूर, वहाँ लाठी ठोक ठोक कर ऐसा ऐसा करके श्रीनाथ जी का पास जाते थे डेली सुबह शाम, जाको लाठी को रख के और उसका पास वो जो है उसको बजा बजा के कीर्तन करते, आंखों में नहीं देखते, चाहे झड़ हो, पानी हो, भूकंप हो जाए तो बाबा का कोई रोक टोक नहीं है, बाबा जाएगा ही। वहाँ जाके ठाकुर जी के सामने बैठे, तब तो जंगल था, ज़्यादा आदमी नहीं आता था, बैठ के कीर्तन करना शुरू, और गोपाल जी स्वयं प्रकट होके बाबा के सामने ऐसा बैठ जाता, कैसा कीर्तन कर रहे हैं बाबा, गोपाल जी स्वयं प्रकट होके ऐसा करके कैसा कीर्तन कर रहा, सुनते रहते गोपाल जी, गोपाल जी ऐसा कितना सुंदर कीर्तन, ठाकुर जी खींचे आए। ये बल्लवाचार्य जी उसका लड़का ये जो है महाप्रभु कृपा किया था ना, ये बल्लवाचार्य जी भी श्रीनाथ जी का सर आलिंगन करके छोभी है ना, मिलता है ब्रजधाम में देखो, मिलता है हमारा पास भी है, गोपाल को गदी में लेकर ऐसा चुम्बन कर रहा है,
हैं, आप सोचो कि ये सब गप है, नहीं गप है एकदम। तो ये जिस कारण ये बात को उठाया, किस कारण है, भले एक दफे सूरदास जी जाते जाते वो समझ नहीं पाया, भाव में विवल था और एक कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया तो चिल्लाया ठाकुर जी का नाम लेके, अरे गिर गया। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गोपाल आया, थप से हाथ पकड़ लिया, कुएं से बाहर कर निकल कर दिया। गिरा तो संग संग बोला कृष्ण का नाम, गिर गया तो इतने में कितना सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तुरंत कृष्ण के उसका हाथ को पकड़ लिया, कुएं से बाहर कर दिया। बाबा आप गिर जा रहे थे, हम बचा दिए, उसको जोड़ के पकड़ के रखा है। अब आप और बुजवासी वो बोले हमको छोड़ दो, आपको बचा दिया, नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं, आप तो बचाना था, हम बचा दिया, छोड़ दो, नहीं तुम ही मेरे कन्हैया हो, नहीं हम कन्हैया नहीं है, हम तो गांव का आदमी है, गांव का लड़का, ना 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 तुम ही मेरे कन्हैया हो, हम छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण छट से हाथ छुड़ाकर भागा। तो सूरदास जी ने रोते रोते बोला, हाथ छुड़ा के जाते हो निबल जान के मोहे, जब हृदय से जाओगे तब सबल जानू मैं तोहे, तेरे को मैं सबल तब जानू जब तू हृदय में जाए, हृदय से जा सके, हिम्मत है तेरा, मैं बुढ़ा हूं, मेरा हाथ को ऐसा करके छुड़ा के जा रहे, जा कहां जाए, हृदय से जा तो समझे, हृदय से जा सके नहीं सके। हाथ छुड़ा के जाते हो निबल जान के मोहे, जब हृदय से जाओगे तब सबल जानू मैं तुहे। बहुत सुंदर कीर्तन है, यहाँ परिवेश नहीं है सब गान गाने का, अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी है, धौतो आत्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम नमुंचति, जिसका आत्मा धौत हो गया, सफा हो गया, उसका दिल से कृष्ण पाद मूलम नमुंचति, कृष्ण चरण वो जाएगा ही नहीं, किसी हालत से कोशिश करो तो जाएगा नहीं। और मुक्तो सर्वपरिक्लेशः पांथो हो स्वस्वरणम यथा, हमारा जिंदगी में कहानी है सुंदर, हम जा रहे हैं, कई बार गया हिमालय, बहुत बार हिमालय हमको खींचता है, पहले अब तो कम है, पहले खिंचावट ज़्यादा था हिमालय का, और गुरुजी से अनुमति लिखी गया, गुरुजी बोला जाओ आप रुद्रप्रयाग में जाके हम काली कमले वाली एक आश्रम है उसमें हम रुके हैं, एक नदी पहाड़ी चट्टी है नीचे एकदम, वहाँ रुके और माला फेरते फेरते हम पहाड़ का चट्टी में हम देखते रह गए, हमारा जिंदगी क्या है और ठाकुर जी का क्या महिमा है, देखोगे तो घबरा जाओगे, हिमालय से ऐसा आ रहा है पानी गंगा जी, और कितना सुंदर परिवेश, क्या पावर है रुद्रप्रयाग, बड़ा महिमा है। और एक संत जो है, हम माला फेरते रहे चुपचाप देखते रहे, एक संत मेरा पास आया चुपके से, आके मेरा साथ परिचय किया, बाबा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा करके परिचय किया, बहुत सारे बातें हुआ भजन का, बहुत सारे बातें हुआ। और उसके बाद सुबह का टाइम, मैं चला बद्रीनारायण का ओर, वो चला नीचे, उसका दर्शन हो गया, बहुत सारे बातें हुआ घंटों भर, इतना दोस्ती हो गया था, लेकिन हाँ हम चिंता करें, वो तो दोस्ती हो गया था लेकिन वो कहाँ गया, हम कहाँ, आज तक उसका साथ आप दर्शन नहीं हुआ। कितना दोस्ती हुआ था, रात को बैठ के विचार किया था, कितना सुंदर शास्त्र का अर्थ उठा था, बड़ा वो भी अपना जिंदगी का बड़ा बड़ा चीज़, अच्छा अच्छा चीज़ बताया, लेकिन वो गया तो गया, उसका साथ आज तक मेरा परिचय और मेरा दर्शन नहीं हुआ। मैंने सोचते रह गए कि संसार का आदमी जो हमारा ये स्वामी है, हमारा ये पिताजी है, भाई है, दोस्त है, ये जो सोच के बैठे हुए हैं, ये जो यही तो है, यही तो उदाहरण है, ये जो पांथो हो स्वस्वरणम यथा, हम तो पांथो ही था ना, हम तो पथिक था, मेरा परिचय तब क्या था, मैं तो पथिक था ना, मैं रास्ते में चलने वाला, और पथिक पांथोशाला मिला तो रुक गया, तो मेरा क्या नाम था, पथिक था, सुबह में चल देंगे 10 घंटा के लिए, 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा के लिए रुक गया, तो मेरा नाम था पथिक,
तो मैं सोचते रह गए भागवत का श्लोक जो है कितना सुंदर देखे, पांथ सशरणम यथा, पांथशाला में जैसे हैं, पांथ पांथशाला में हम विश्राम लिए, लेकिन जब अपना स्थान पे गुरुपीठ में आ गया तब और तो आनंद हुआ ना। अब इतना चलते रहे रास्ते में, आज गुरु जी का पीठ में आ गया, गुरुपीठ में। तो ये जो पांथ सशरणम यथा मतलब है, ये पथिक जब सशरण, देख एक बात ध्यान से देखना, एक झोपर पट्टी में रहने वाला रिस्का वाले, वो जब सारा दिन रिस्का खींचा और सुबह में तो छातू खाया, रात को चोखा और जो भी है चावल खा लिया, अब जब सोया थोड़ा देर तक राम नाम किया, बिहारी लोग हम देखा हमारा उधर बिता, सारे रिस्का वाले एक साथ बैठ जाते हैं, बैठ के और दाल बनाया, रोटी बनाया, और फिर उसके बाद पहले राम 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 कर दे, उसका बाद आधा घंटा करने के बाद वो खाया और सो गया, कितना सुंदर सो गया। अरे बाप रे बाप, बिछाया रास्ते पे, वो बड़ा बड़ा धनी आदमी है, मड़वाड़ी है, गुजराती है, सब आके महाराज हमारा नींद नहीं आता है। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, बोले महाराज कौन जाने नींद नहीं आता है, दो दो चार चार गोली खाता हूँ नींद नहीं आता, नींद नहीं आता, काहे को नींद नहीं आता, बोले कौन जाने नींद नहीं आता। और इसका वाला को देखिए कितना सुंदर नींद आए, तुम इतना पैलेस में हो, राजधानी में हो, इतना सुंदर विस्तारा में हो, एसी डीसी चल रहा है, फिर भी तुम्हारा चैन नहीं है, फिर भी तुम्हारा जिंदगी में कोई चैन नहीं है, हैं, बेचैनी बने रहते हैं, लेकिन उसका कितना शांति है, खा के सो गया आराम से, सुबह में उठा फिर इसका चला, कितना सुंदर है। तो ये देखो, हमने देखा ठेला चलाने वाला वो झोपड़पट्टी में रहता है, लेकिन वो झोपड़पट्टी में जब लौट के आए सारा दिन के बाद, वहां कितना सुंदर नींद, नींद आ गया, झोपड़पट्टी कुछ नहीं है लेकिन वहां कितना सुंदर नींद, लेकिन बाकी आदमी का कोई नींद ही नहीं आता बाकी जो है। तो इसलिए बोला कि पांथ स्वशरणम यथा, अपना पट्टी में आ जाओ, झोपड़पट्टी में, फिर भी अपना ही तो है, उसमें आनंद ही आनंद है, वो तो अपना है, झोपड़पट्टी सही लेकिन अपना है, उसमें बेचैनी नहीं है, आह बहुत आराम से सो जाओ, लेकिन बाहर में सो उतना मज़ा नहीं आएगा, आएगा बाहर में कई जगह सो जाओ उतना मज़ा नहीं आएगा, ये हम भी देखे हैं जो भी है। ऐसा करके ब्रह्मा जी का जो सृष्टि का समय कैसे क्या हुआ था इस बारे में कह रहे हैं, नवम अध्याय में ब्रह्मा जी एक दफे चारों ओर पानी पानी है, जिधर देखो चारों पानी है पानी है, बाप रे बाप। ब्रह्मा जी आविष्कार किया, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, अचानक है मेरा परिचय कहाँ कहाँ से आया, चारों ओर पानी कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी सोचते रह गए, सोचते सोचते क्या किया, वो देखे तो सोई मैं कौन हूं, पद्म का वो जो पद्म फूल है उसका जो नाल है, जो स्टेम अंग्रेजी में स्टेन बोला जाता है, पद्म फूल पर स्टेम है, उसके उसके नीचे गया, पूरा नीचे गया, कुछ नहीं पता चला, फिर उठा ऊपर में, फिर नीचा नीचे गया, उठते फिर उठे फिर नीचे गया, ऐसा ऊंचा नीचा चलते रहे चलते रहे, फिर भी समझ में नहीं आया मैं कौन हूं। बाद में एकदम चुपचाप बैठ गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, चारों ओर पानी है, मेरा परिचय क्या। इतने में तीन शब्द आया, तपो तपो, दो शब्द ये जो है तप, और ये तप शब्दों का जो माने हैं ये ठाकुर जी इधर इसका माने हृदय में प्रकट कर दिया, नहीं तो ब्रह्मा का जानना संभव नहीं, तप क्या है, तप मतलब तपस्या, और तपस्या बोला, तपस्या का माने क्या है ये ठाकुर जी हृदय में अनुभव करा दिया, तो तपस्या करने बैठ गया। ठीक है, तपस्या करते 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 तब तपस्या के द्वारा ठाकुर जी प्रसन्न भए, तो ठाकुर जी दर्शन दिया, देख लो मैं ये हूँ,
तुम कहां से आए हो जानते हो? नारायण का जो नाभि नाल है ये तो भगवान दर्शन दिया, लेकिन ये जो ब्रह्मा का उत्पत्ति कहां से? गर्भगोसाई जो विष्णु हैं इनके जो नाभि नाल, ये नाभि, इसमें से एक पद्म उठा और पद्म फूल में ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा का नाम पद्मजोनी, पद्म फूल में स्वयं हुआ, जन्म हुआ। कैसे हुआ वो कौन जाने, ठाकुर जी का कृपा। और ब्रह्मा जी जितना दौड़े, नीचे जाए ऊपर जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, टीकाकारों ने बोला महाराज ब्रह्मा जी का इतना दौड़ने से क्या हो सकता, कुछ नहीं होने वाला, क्यों? बोले ब्रह्मा जी तो जानना चाहते कहां से मैं आया हूं। लेकिन बीज जब वृक्ष हो जाता तो बीज मिलता है क्या? बीज अगर अनुकूल परिवेश में वृक्ष बन जाए तो 5 साल 10 साल 100 साल बाद क्या वो बीज को आप ढूंढे से मिलेगा? बीज कहाँ मिलेगा? बीज तो परि बीज का तो एकदम बीज फोड़ के वृक्ष हो गया। ऐसा ब्रह्मा जी ठाकुर जी जो है नीचे वो दिखाई नहीं पड़ा और वो ओरिजिनल कॉज को जानना चाहा लेकिन जान नहीं पाए, बस चिंता करते रह गए। और उसके बाद ठाकुर जी ने तपस्या करने का जो तपो बोला पानी के अंदर से, तपो तपो जो शब्द आया, तब तो इस तपो शब्दों के द्वारा तपस्या शुरू की। और तपस्या करने का बाद ठाकुर जी ने अपना दर्शन दिया। दर्शन देने का बाद उपदेश भी दिया, सिर्फ दर्शन नहीं, दर्शन तो कराया तपस्या के द्वारा। और उसके बाद दर्शन दिया, दर्शन का बाद उपदेश दिया। श्यामावदात सतपत्र लोचना पिसंग वस्त्रा सुरुचो सुपेशस। श्यामावदाता शतपत्र लोचना पिसंग वस्त्रा सुरुचो सुपेशस। सर्वे चतुर्बहव उन्मेष मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चस। प्रबाल वैदुर्ज मृगाल वर्चसो परिस्फुरत कुंडल मौली मालिनः। ठाकुर जी श्यामावदातः शतपत्र लोचनः पिशंग वस्त्रा सुरुचो सुपेशसः। सर्वे चतुर्बहवः उन्मीष मोनि प्रवेको निष्कावरणः सुवर्चसः। प्रबाल वैदुर्ज मृणाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडलो मौली मालिनः। मौली मतलब मुकुट। इधर वैकुंठों का दर्शन किया, वैकुंठों में जितना पार्षद है ब्रह्मा जी देख रहे सारों सारे चार भुजा। वही वैकुंठों में जो पार्षद है सावे सौंदर्य का बात क्या बोले, श्याम वर्ण है उज्जवल, चक्षु पद्म निभो पद्म फूल जैसा, आ पीताम्बर परिधान अति कमनीय सुकुमार आकार। सर्वे चतुर्वह सब जो चतुर्भुज है सिर्फ नारायण का मापिक, कितना सारे सुंदर मुकुट पहना हुआ है, बाजूबंद है, इतना सुंदर वैकुंठ का जितना सारे पार्षद है, कुंडल है कानों में, मौली मतलब मुकुट है, कितना सुंदर। आहा वैकुंठो, ये वैकुंठों का थोड़ा दर्शन ठाकुर जी दिखाया, देख मेरा वैकुंठो। तपस्या के द्वारा ठाकुर जी संतुष्ट भए, उसके बाद दर्शन दिखाया। उसके बाद ठाकुर जी का भी दर्शन हुआ। किरीटीनम कुंडलीनम चतुर्भुजम पीतांशुकम बक्षसी लक्षितम श्रेयहा इत्यादि। ऐसा देखते हुए ब्रह्मा जी का सर झुका। ननाम पदाम भुजम अस्यो विश्वश्रीग यत् पारमहंसे न पथाधि गम्मते। परमहंस व्यक्तिगम जो परम पवित्र है, परमहंस
परमहंस व्यक्तिगण भजन का मार्ग पे चलते हुए जिसका दर्शन करता है वही ठाकुर जी का चरण में ननामो पदाम्बुजम अश्व विश्वश्री। विश्वश्री कौन? ब्रह्मा, विश्व सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उनका ठाकुर जी के चरण में दंडवत किए। पहले हम ये सब चर्चा कर चुके हैं ना, जे आदमी का अंदर में जो एकदम निश्चिंत भाव, जो चैतन्य महाप्रभु जब तुम्हारा ये नाम क्या है वो ये जो क्या नाम है बार बार बोलते रहते हम, वो जब आया ना वृंदावन से घूम के, उसका नाम है वो ये की पंडित जग के क्या नाम है बोलो ना, जो ये किताब लिखा छोटा सा पतला प्रेम विवर्तो, जगदानंद पंडित, नाम नहीं बोल सकते हो, जगदानंद पंडित जब वृंदावन जा रहे थे महाप्रभु बोले सनातन को बोलना मेरे लिए एक ऐसा जगह ढूंढ के रखे, मेरे लिए एक तो एकदम ऐसा जगह ढूंढ के रखे मैं जहाँ बैठ के हरिनाम कीर्तन करूँ। निश्चिंत होइया, निश्चिंत ये बात शब्दों को यूज़ किया, हम निश्चिंत, कोई टेंशन रहे तो भगवत भजन नहीं होता हो पाता। पहले सनातन को बोलना मेरे लिए कुटिया रखना, एक कुटिया जहाँ मैं बैठ के संकीर्तन करते रहूँ, नाम करते रहूँ, ऐसा बोला। जब ठाकुर जी दर्शन कराया तो अपना धाम को, उसके बाद प्रियः प्रियम प्रतमना करे स्पृशन, जैसे ब्रह्मा देखा ठाकुर जी हाथ को पकड़ कर ब्रह्मा का बहुत प्रेम से बहुत सारे चीज़ कह रहे हैं सुंदर। अब भगवान ब्रह्मा को बोल रहे हैं कि देखो तया अहम तोषितः सम्यक वेद गर्वस्य शिक्षया, ब्रह्मा को बोला तुम्हारा ऊपर मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, बड़ा चीरम भृते न तपसा दुस्तोसो कूट योगिनम, जरा कूट योगी है वो लोग हजारों साल भजन करे तपस्या करे हैं फिर भी कुछ होता नहीं, लेकिन भगवान बोले वेद गर्गो तुम सृष्टि करने का मानस पे तुम्हारा आविर्भाव हुआ और बहुकाल तपस्या करके तुम्हारा से दीर्घकाल जो तपस्या इसके द्वारा मैं संतुष्ट हुआ। देखो कपट योगी, कुट योगी मतलब कपट योगी लोग हजारों साल तपस्या करे फिर भी उसका तपस्या से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, चाहे कितना भी दिन तपस्या करे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कुंभकर्णो तपस्या नहीं किया था, लेकिन वो तपस्या ठाकुर जी को संतुष्टि करने के लिए नहीं था, वो तो कुछ चीज मांगले विभूति मांगले के लिए। इसके बाद ठाकुर जी बोले देखो हम संतुष्ट हैं तो तुम्हारे पर संतुष्ट हुआ बड़ा, और तपो में हृदयम साक्षात आत्म अहम तपसो अनोघ सृजामि तपसई वेदम ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विष्यम वीर्यम मे दुश्चरम तपहा, ये अनोघ तपस्या ही हमारा साक्षात हृदय हमारा शक्ति, हम तपस्या के द्वारा तपस्या ही मेरा आत्मा है और हम तपबल के द्वारा चराचर विश्वों को पालन करते हैं, तपस्या के द्वारा पुनः संहार कर लेते हैं और ये दुश्चर तपस्या ही मेरा वीर्य है। नर नारायण देखो अभी भी बद्री नारायण में नर नारायण है ना, वो दो पहाड़ दिखेगा, आप देखोगे दो पहाड़, एक नरो है एक नारायण है एक नरो है नारायण है, दो पहाड़ एकदम ऊंचा सबसे ऊंचा, ये नरो नारायण कभी अगर भजन सही बने तो पहाड़ का अंदर नरनारायण दर्शन देंगे, कोई संतों लोग दर्शन किया तपस्या कर रहे हैं लेकिन बाकी आदमी को पता नहीं चलता, देखिएगा पहाड़ है दो ऊंचा पहाड़, बद्रीनारायण का मंदिर दायना बाजू और बायां बाजू हमने देखे बड़ा ऊंचा पहाड़, बाप रे
और ऊंचा पहाड़ हमको उधर का जो पंडा है बोलो महाराज ये जो संत महात्मा उधर बोले ये नरो नारायण है, एक नरो है नारायण है दोनों, कभी किसी का सौभाग्य खुल जाए तो ठाकुर जी दर्शन भी देते हैं, देखो तपस्या कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये जो केदार नारायण है, केदार नारायण में हम आज तो कुछ नहीं है, ठाकुर जी का ऐसा विचार है सारे मिटा दिया। हम केदारनाथ में गया था, केदारनाथ में अलकानंद में नहा और एक गुफा में रुका था, हाँ वो गुफा कुछ नहीं है सारे मिट गया, भूख ओसो हुआ था ना, भूचाल हुआ था, फिर पानी बारिश हुआ था, हुआ ना अखबार में आया था, पूरा सत्यनाश कुछ नहीं है अभी बचा, वो गुफा भी नहीं कुछ नहीं, हाँ ऐसा है। और वहाँ वहाँ का एक पहुँचा हुआ संत वो शंकर जी का भजन करता है, बोलो महाराज ये जो आप इधर भजन कर रहे हो, शंकर जी कभी कभी किसी को दर्शन भी दे देते हैं, पहाड़ों चट्टी में ऐसा करके शंकर जा रहे हैं, भाई कई संत महात्मा देखा है, बहुत मुश्किल से, हर आदमी देख नहीं पाता कभी मुश्किल से, जिसका ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न है देखा शंकर जी भगवान जा रहा है पहाड़ का चट्टी में ऐसा करके, ऐसा ऐसा है दर्शन दे देते हैं कभी। तो ओ शंकर जी बड़ा प्रसन्न हुए तो दर्शन दे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आ तपस्या जो है, और हमारा जो तपस्या है, हमारा व्रत उपवास कथा सुनना, यही मेरा तपस्या हम लोगों का। हमारा तपस्या ऐसा नहीं कि आंखें मुद के पहाड़ी चट्टी में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं। ये तपस्या का बारे में ठाकुर जी बोला ठीक ही है, तपस्या के द्वारा ही पावर होता है। विश्वामित्र मुनि जो तपस्या के द्वारा नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया, त्रिशंकु को जो फेंक दिया ना स्वर्ग से, जा इधर से, वो गिरना शुरू किया तो रोक दिया विश्वामित्र बीच में, नया स्वर्ग रचना करे, इतना तपबल है। तपस्या के द्वारा रचना बल होता है, सौवरि मुनि तपस्या के द्वारा इतना प्रकट कर दिया वैभव। कर्दम ऋषि देखोगे, कर्दम ऋषि तीसरा स्कंद में आ रहा है, इतना वैभव को प्रकट कर दिया तो इंद्रो हैरान हो गया, इंद्रो पागल हो गया, अरे संभव है, मानधाता मुनि घबरा गया, अरे इतना वैभव है, इंद्रो का पास नहीं है इतना वैभव, जितना वैभव प्रकट कर दिया कौन, सौवरि ऋषि, इतना वैभव प्रकट कर दिया कर्दम ऋषि। बोले ऋषि मुनिया के तो चुटकी की चुटकी बात है, तुम तो वैभव के लिए रोते हो भागा दौड़ी करते हो, लेकिन जो ये सब मुनि ऋषि है वो तो बातों बातों में पैदा कर देगा, कोई कोई बात ही नहीं है, ऐसा पावरफुल है, हैं। और इसके बाद जब ठाकुर जी ने इतना सुंदर ये किया, उसके बाद ब्रह्मा ने रो रो कर बोले ठाकुर जी अपना आपका इतना करुणा है, आपका करुणा देख के रहा नहीं गया, मेरा आंखों में आंसू गए, आह इतना करुणा है हमारे हाथों में। ब्रह्मा जी को जैसे दोस्त को पकड़ता है, मीठा बात बोला, तुम्हारा तपस्या से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, हे वेद गर्वो तुमको सृष्टि करने का इच्छा है, चलो हम कृपा कर दे तुम सृष्टि करो हम तुमको, ऐसा जो बोले तो ब्रह्मा जी ने रो के बोले तथापि नाथम तथापि नाथो मानस नाथ नाथयो नाथितम परावरे यथा रूपे जानियम ते त्वरूपेण। बोले तथापि आप तो इतना उपदेश किया कुछ भी किया, तथापि हम ये तपस्या का द्वारा हमारा प्रार्थना है, द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं हम, हे नाथ हमारा प्रार्थना ये है, वस्तु हमारा पार्थित वस्तु हम जब मांग रहे हैं वो हमको दे दो। तथापि नाथो मानुष्य नाथो नाथयो नाथितम परावरी यथा रूपे जानियम ते त्वरूपिणम त्वरूपिण हाँ। हे नाथ हमारा पार्थित वस्तु हमको समझाओ, आप अरूप आपका तो प्राकृत रूप नहीं है, अरूप बा अप्राकृत रूप यदि अगर है तो हम
जो प्राकृत और अप्राकृत उभय विषय हमारा जानकारी हो जाए। आपका जो रूप है, आपका जो वैभव है, आपका जो धाम है, ये तो हम प्राकृत अवस्था में दर्शन नहीं कर सकता। दर्शन कर सकता? दर्शन होना संभव नहीं। या तक कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का जो मैदान है उड़ा वहाँ खड़ा होके अर्जुन को बोले, अपना क्षमता से हमारा ये विश्व रूप को दर्शन नहीं कर सकोगे। बोला ना, हम तुमको दिव्य चक्षु दे रहा है, तो क्या अर्जुन का मामूली आदमी है, हमारा माफे मेटेरियल आदमी है क्या? बोल नहीं। ठाकुर जी का यही भाव है कि अप्राकृत वस्तु को कभी कभी छुपा के रखते हैं, दर्शन नहीं देते, इच्छा हुए तो दर्शन दे देते हैं, वो आपका इच्छा का ऊपर ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी जब अर्जुन को बोले, अपना चेष्टा के द्वारा तुम दर्शन नहीं कर सकोगे, हम तुमको आंखें दे देता है तो देखो मेरा विश्व रूप को। हाँ, जब दिव्य चक्षु दिया तो अर्जुन पागल हो गए, क्या देख रहा है, चांद सितारे अनंत गोह राशि सब में कृष्ण है। अरे बाप रे बाप, लाखों लाखों करोड़ों सब जीवात्मा सब मर के उसका अंदर हवा के मापी जा रहा है, दांत का अंदर महाकाल का रूप। अरे बाप रे बाप, अर्जुन घबरा गया, रोना शुरू कर दिया कांपने से। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगन्नाथ, तुम संतुष्ट हो जाओ जगन्नाथ, हमको ये रूप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको वो दर्शन दो, वो जो दर्शन हमको रथ का ऊपर तुम्हारा जो वही दर्शन, ये दर्शन संवरण करो। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगन्नाथ, जगन्नाथ हमको ये रूप नहीं चाहिए बाप, विवत स्वरूप है, करोड़ों करोड़ों जीवात्मा सब मर के उसका अंदर जा रहा है हवा का साथ, धूला जैसे जाता है ना, हवा का झोंका आए तो धूला। अरे बाप रे बाप, चांद सितारे क्या दिख रहा है, अरे बाप रे बाप, हाँ भगवान हमको नहीं चाहिए रूप, हमारा तो ये रूप ठीक है। ऐसा ही है। तो ब्रह्मा जी में विनम्र भाव से बोले, ठाकुर जी आप अगर दर्शन नहीं दोगे तो हमारा हिम्मत भी नहीं है आपका अप्राकृत रूप का दर्शन दे, दर्शन कर ले, लेकिन हमारा हम तो प्रार्थना कर सके। हमारा इतना ही है आपका सामने, हम प्रार्थना कर सके, आई कैन अपील बिफोर यू, तुम्हारा सामने आप प्रार्थना कर सके, बाकी तो मानना नहीं मानना, मंजूर करना नहीं करना, वो तो आपका आपका खुशी है ठाकुर, आगे आपका मर्जी, आगे आपका मर्जी है। हमारे ये सब प्रार्थना रहा, पीताम्बर कसी हो, मन में ये रूप बसी हो, ऐसा ही है, मन में ये रूप बसी हो, पीताम्बर कसी हो, पीताम्बर लगाए हुए हैं, ऐसा रूप मेरा मरने का टाइम में प्रकट हो जाए ठाकुर जी, ये मेरा विनती है। एक भक्त का है अर्जी, ठाकुर जी को प्रार्थना किया, कोई भक्त हम नाम नहीं बताना दरकार है, एक भक्त का है अर्जी, एक भक्त का है अर्जी, अर्जी माने प्रार्थना, एप्लीकेशन टू ग्रांट और नॉट टू अप्रूव, अप्रूव टू अप्रूव और नॉट टू अप्रूव, करो ना करो तुम्हारा बात है। एक भक्त का है अर्जी, आगे तुम्हारा मर्जी, तुम करो तो करो नहीं तो ना करो। और ब्रह्मा जी कह रहे, अपना प्रयास प्रतिष्ठा के द्वारा तुम्हारा दर्शन होना संभव नहीं है। आप प्राकृत अप्राकृत जो परावरे यथा रूपे परावरे यथा रूपे जानियम ते तो अरूपीण, हम तो जानते आप अरूप हो, अरूप रूरूप ये जो गजेंद्र मुख आएगा आएगा, आप अरूप हो, आपका रूप नहीं है, पुरुरूप बहुरूप है आपका, बहुरूप है अनंत रूप, आपका रूप नहीं है, इसका माने क्या है, इसका माने क्या है? विश्व रूप दर्शन करो तो ठाकुर जी का अनंत रूप है, सारे ये ठाकुर जी का रूप अंतर में ठाकुर जी, अगर ये आंखों देख के देखना चाहो तो ठाकुर जी नहीं है, दर्शन नहीं हो रहा है, अरूप अरूप मतलब रूप नहीं है कोई।
अगर दर्शन दे तो अप्राकृत रूप खुल ले। वेदांतों का जो चर्चा हुआ था, वेदांतों का ऊपर जब चर्चा हुआ था महाप्रभु का साथ सार्वभौम भट्टाचार्य, हम बीच बीच में घुमा फिराकर चैतन्य लीला में जाते हैं। क्यों? हमारा इच्छा है गौरव दर्शन का विचार पर आधारित भगवत कथा हो जाए, वही एक्चुअल भगवत कथा। आपको नचाने के लिए, आपको खुशी करने के लिए हमारा कथा नहीं है, ठाकुर जी को खुशी करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का साथ जब सार्वभौम भट्टाचार्य जो का चर्चा हुआ था, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो बोले, आप बैठो मेरा सामने, हम वेदांत तो सिखाएंगे, इतना हिम्मत है, साक्षात भगवान है। भगवान बोले, हमारा सामने बैठो, बैठ के वेदांत तो सुनो। सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदांत तो व्याख्या करना शुरू कर, 7 दिन तक ठाकुर जी चुपचाप कर सुनते रहे। और सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, क्या हुआ आपको? हाँ ना टू टा कुछ नहीं कर रहो, क्या क्यों समझे हो कि नहीं समझे हो, समझ में नहीं आ रहा है? तो सुनते हो 7 दिन से, कुछ बोल नहीं रहे हो, कि समझे हो कि नहीं समझो? तो तब महाप्रभु ने अपना जवान को खोला, बोले देखो जी क्या कहे, 7 दिन से तो सुनते आए हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं। अरे समझ में नहीं आया तो बोलना चाहिए ना, हम व्याख्या कर देते। अरे व्याख्या क्या करोगे, आप जो श्लोक का व्याख्या किया पूरा पूरा समझ में आया, लेकिन जो व्याख्या की आप जो श्लोक किया ना उच्चारण सारे समझ में आया, लेकिन अब जो श्लोक का व्याख्या किया वो समझ में नहीं आया। और गुस्सा हो गया, क्या श्लोक जो बोला समझ में आया? बोले आप जो श्लोक बोला पूरा समझ में आया, पूरा जो श्लोक बोला उसका अर्थ जो है हमारे हृदय में प्रकट हो गया, लेकिन आप जो व्याख्या किया वो समझ में नहीं। और गुस्सा हो गया, इतना बड़ा वेदांती है, साक्षात बृहस्पति है, क्या हमारा व्याख्या समझ में नहीं आया? नहीं जी समझ में नहीं आया, तो व्याख्या करो आप करो, समझ में नहीं आया तो श्लोकों का श्लोक समझ में आया? बोलो श्लोक जो बोलते हो तो श्लोक का पूरा अर्थ समझ में आया, इतना बड़ा बात है, इतना बड़ा बात है, इतना हिम्मत है, बोलो तो सही, व्याख्या करो, क्या क्या बोला हम? आज चैतन्य महाप्रभु बोलना शुरू कर दिया वेदांतों का व्याख्या। आप निराकार बोल के ठाकुर जी को स्थापन करना चाहते हो, हाथ नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, लेकिन ठाकुर जी तो कान हाथ नाक अपानि पादो जवनो गृहित्वा हैं, सिन्नति अकर्णो पश्यति अचक्षु, इस श्लोक का व्याख्या कर रहे हो आप, ठाकुर जी का नाक नहीं है, कान नहीं है, तो हैं क्या बात है? तो ठाकुर जी का कान का नाक कान कहाँ है, हाथ पैर है? महाप्रभु बोले नहीं है। बोले वेदांत में क्या लिखा है? अपानि पादो लिखा हुआ ना, हाथ पैर नहीं है, जभी तो जगन्नाथ ऐसा है, हाथ पर नहीं है, हमारा हाथ पर है, देखो कितना पावर है। हम फॉरेनर लोगों के बैठे कहते रहते हैं वो लोग हंसते रहते हैं, जगन्नाथ वांट टू मेक फूल ऑफ यू, तुम लोगों को भूखा बनाना चाहता है, देखा हमारा हाथ पर नहीं है, हम क्या देंगे, जब भाग भाग भाग। अर्थात जगन्नाथ अपना अपराकित हाथ ना हाथ पैर को छुपा के रखा है, जस्ट टू चीट यू, तुमको भूखा बनाने के, देख हमारा हाथ नहीं है, क्या देंगे, जा 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 भाग दूसरी जगह, जा गणपति देवता का पास जा, ये इधर उधर जा, वो बहुत माल मिलेगा, जा उधर जा, हमारा कुछ नहीं है हमारा। तो ऐसा ही है, ठाकुर जी चाहे तो तुमको भूखा बना दें, ऐसा भूखा बना देंगे, और ज़्यादा चालाकी मत करो, जितना सारे सरेंडर हो जाओगे, विनम्र भाव रोगे ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, चलो इसको हम चका दे, मैं कौन हूँ, जैसे ब्रह्मा को किया, परावरी यथा रूपी, हम तो जानते हैं ठाकुर जी आप अरूप हो, अरूप मतलब आपका प्राकृत रूप नहीं है, अप्राकृत रूप। महाप्रभु भी सार्वभौम भट्टाचार्य का साथ जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो बार बार ठाकुर जी को निराकर ब्रह्मों का स्थापन किए, महाप्रभु बोले ठाकुर जी का कहाँ नहीं है ठाकुर जी का हाथ पर? बोले नहीं है, तो श्लोक है नहीं, ठाकुर जी का अप्राकृत हाथ पैर आंखें सब है, अप्राकृत, अप्राकृत है ना, प्राकृत नहीं है, प्राकृत निषेध करने के लिए अपानिपाद ऐसा बोला। लेकिन दूसरा श्लोक देखो, जवनो गृहीत्व, जल्दी लेता है, हाथ नहीं है जल्दी ले लेता है, पैर नहीं है तो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है अप्राकृत, अप्राकृत हाथ कान नाक सब कुछ है अप्राकृत,
लेकिन प्राकृत वस्तु को निषेध करने के लिए इधर ये बोला गया। बाकी फाकिर जी का है अपराकृत अपराकृत सब कुछ है। काल इस विषय पर और चर्चा होगा। तो ये जो है आपका अपराकृत रूप है और हमारा आपका जो परावरे प्राकृत एवं अपराकृत दोनों विषय को ही सामने रखते हुए आप मेरे को ज्ञान दे दो। आप ऐसा ज्ञान दे दो जो प्राकृत अपराकृत दोनों विषय में मेरा हृदय में ज्ञान जो है प्राकृत ज्ञान है ना, प्राकृत और अपराकृत दोनों ज्ञान हो जाए तो अच्छा है। तो क्यों आज अगर हमारा हृदय में प्राकृत ज्ञान नहीं होते तो हम आपका सामने ऐसा विचार कैसे प्रस्तुत करते। प्राकृत अपराकृत दोनों हैं। अगर अंधेरा को समझ पाओ कि ये अंधेरा है तो उजाला क्या चीज़ है समझ में आएगा ना। उजाला का जो महिमा है तब समझ में आता है जो अंधेरा को जान के रहे ये अंधेरा है वो ये उजाला है। दोनों का जो विभेद है वो समझ के रखो। जैसे तुलसीदास जी ने बताया था हैं ज्ञान करे उपदेश बोला था ना, तुलसीदास जी का उठाया था ना, सदगुरु मिले भेद बतावे। भेद क्या है ये तद्वस्तु ये अतद्वस्तु है बेटा, ये तद्वस्तु ये तो इसमें तेरा बंधन हो जाएगा इसमें मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो ये जो महिमा है उजाला का महिमा 100% पता चलता है जब रोशनी जो है उजाला का महिमा तब पता चलता जब अंधेरे में अंधेरे का बारे में ज्ञान हो। अज्ञान क्या चीज है और ज्ञान चीज है दोनों का आइडिया आपका इधर आ जाए तो ये है परफेक्ट ज्ञान। ज्ञान और अज्ञान क्या चीज है, अज्ञान ये है ओ अच्छा ये अज्ञान है तो इसमें नहीं पढ़ना। अज्ञान और ज्ञान दोनों का विषय में हमारा हृदय में ज्ञान आ जाए अर्थात कॉन्शियसनेस आ जाए विचार आ जाए तो उसमें मेरे को अज्ञान में कौन फेंकेगा, कोई अज्ञान में हमको फेंक सकेगा, अज्ञान में मेरे को फेंक सकेगा कभी कोई नहीं, संभव नहीं। क्योंकि अज्ञान और ज्ञान दोनों गुरुजी हमको बता दिया अज्ञान है ये ज्ञान है, दोनों का डिमार्केशन पता है ये सेग्रीगेशन ये ज्ञान है ज्ञान है ये तौद है औतद वस्तु है। ब्रह्मा जी भी इससे बहुत चालू है। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी ऐसा करो परावरे पर माने प्राकृत और अप्राकृत दोनों विषय आप मेरे को ज्ञान दे दो। जैसे हमारा दिल में कभी भी मोह ना आ जाए बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। ठाकुर जी बोले ठीक है एक काम करो हम तुमको वो ज्ञान को दे देते हैं और वो जो ज्ञान है बड़ा आश्चर्य ज्ञान है। ये आश्चर्य ज्ञान इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत चर्चा करने के लिए हमको बहुत समय चाहिए। आज तो हम ये बात को उठाएंगे थोड़ा बहुत व्याख्या और बाद में हम क्या करेंगे इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी चर्चा संभव नहीं होगा बहुत समय हो जाएगा। आपको थोड़े बहुत हम स्पर्श करके छोड़ देंगे। भगवान कह रहे हैं श्री भगवान वाचो भगवान बोल रहे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा को कह रहे हैं कि ज्ञानम परमम गुज्जंग यद विज्ञान समन्वितम सौरहस्यम तदंगंचो गृहानुगदितंग मया जवानाहम यदा भावो यदरूप गुण कर्म को तथैव विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहोमिवासमिवाग्रिनन्यज्जत् सदसत्परम् पश्चादहम् यदि तच्च जवशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थम् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्वादात्मनो मयम् यथा भास तथा तमः यथा महान्ति भूतानि उच्चावचेषु नो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः नैव्यतिरेक्याभ्यां जत्तत् सर्वत्र सर्वदा एतत् मतं समातिष्ठो
परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु नम न विमुज्यति कहिर्चित। ये जो है इसमें ठाकुर जी चतुश्लोकी भागवत इसको बोलता है। ये चार श्लोक आपको दिखाई पड़ता है, सामने चार श्लोक है, लेकिन ये चार श्लोकों का अंदर 18,000 श्लोक का जो जिस्ट है मूल सब ये चतुश्लोकी भागवत का अंदर भरा हुआ है। ये देखने में चार श्लोक है, लेकिन ये चार श्लोक का अंदर तमाम 18,000 श्लोक का तमाम जो भाव है, ये भाव ये चारों श्लोक का अंदर छुपा हुआ है जो ठाकुर जी ब्रह्मा को उपदेश दिए। अब इसका बारे में तो चर्चा कल हो पाएगा। और अंतिम में ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का पास बोला जो हम तो सृष्टि का बारे में व्यस्त रहेंगे और सृष्टि का विषय जो बड़ा लपड़ा का विषय है, उसमें दिल फंस जाने का हर हालत में संभावना है। ठाकुर जी बोला कोई चिंता नहीं, चलो मैं कृपा कर दिया, हम जो ये उपदेश दिया भागवत तत्व का चतुश्लोकी भागवत के द्वारा एतत् मतम समातिष्टो, ये जो विचार है जो सिद्धांत तो है ये तत्व विज्ञान है, इसमें प्रतिष्ठित हो जाओ तो किसी भी हालत आपका अंदर में मोह आना संभव नहीं है। मोह को कौन मोह कर डालेगा आपको, मोह में कौन डालेगा, माया तो डालता है ना, मोह में कौन डालता है आपको, आप जो सब माया में, मोह कौन डालता है मोह में, मतलब माया डालता है मोह, माया अगर हट गया तो कौन मोह डालेगा, कोई नहीं है। एतत् मतम समातिष्ट परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्प सु न विमर्जति कहचित, ये आशीर्वाद रहा मेरा। भवान मतलब आप जो है ये हमारा सिद्धांत विचार को परमेन समाधिना एकदम डाइजेस्ट करो, ये विज्ञान जो ज्ञान हम बोला इसको एकदम ऐसा हजम करो जो हृदय में एकदम बैठ जाए। एतत् मतम समा एतत् मतम समातिष्ठो, ये मत हमारे सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो जाओ। समातिष्ठो एतत् मतम समातिष्ठो परमेन समाधिना, समाधि जब हो जाए बस बाहर अंदर कुछ नहीं दिखे पड़े, ठाकुर जी का तत्व विज्ञान और ठाकुर जी दर्शन पड़े, आह ठाकुर जी का धाम है, ठाकुर जी का सेवा है, तब क्या हो। तो हमारा आशीर्वाद रहा भवान कल्प विकल्प सु न विमर्जति कहिर्चित, किसी भी हालत तुमको मोह जो है माया जो है तुमको ग्रास नहीं करेगा, संभव नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद रहा। जो श्लोक दे के हम शुरू किया उसका फिर दोबारा हम दोहराएंगे, उसके बाद काल पूरा चर्चा होगा, ध्यान से इसका विचार सुनना, नहीं तो पूरा भागवत का जो विचार है आपका अधूरा रह जाएगा, पूरा विचार समझ में नहीं आएगा, पूरा चतुश्लोकी जो भागवत पूरा समझ में नहीं आएगा। एतत् मतम समातिष्ठ परमेन स्वाधिना भवान कल्प विकल्प सुन विमर्जति कोई। और पहला जो श्लोक देके शुरू किया था उसमें क्या बोला, जो उसमें उसका व्याख्या काल करें हम, आज तो थोड़ा बहुत बोल के छोड़े। वादी विवादी हर वक्त लड़ते रहते, बड़ा बड़ा पंडित ज्ञानी एक दूसरे से, नहीं ये नहीं होगा। जत सक्त यो वदताम वादिनाम वही विवाद संवाद भुवो भवंती कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोह तस्मै नमो अनंत गुणाय भुवने। जत सक्तयो वदताम वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोह तस्मै नमो अनंत गुणाय भुवने। वांछा कल्पतरुवश्य के बासिंद व्यवश्य पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो नमः।